एक मिनट रुक जाना एक मिनट रुक जाना एक मिनट गुड मॉर्निंग बच्चों, पहला इशू है आज मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास आपका स्टार्ट हो रहा और नॉर्मली आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे यूट्यूब के लेक्चर को सुनते रहे होंगे तो आप लोगों के दिमाग में एक यूट्यूब लेक्चर का नक्शा बना हुआ है उसका एक एक, एक हैिंट बना हुआ है तो मैं पहले आपको बता दूं ये क्लास लेक्चर है दोनों की प्रकृति में अंतर होगा क्योंकि ये पहला लेक्चर है मेरा इसलिए मैंने इसको ओपन रखा है क्योंकि तो मेरा उद्देश्य है जो मेरे बच्चे हैं जिनको मैं डायरेक्टली हेल्प कर सकता हूं प्रत्यक्ष रूप से और उनके सोचने वाले प्राणी के रूप में उन्हें तब्दील कर सकता हूं ये तो मेरी प्रत्यक्ष कोशिश है और शायद आप लोग वन मंथ तक मेरे साथ काम करोगे तो आप लोग इस विद्या में निपुर होंगे लेकिन जो स्टूडेंट्स वैसे भी बात केवल हिस्ट्री की नहीं है किसी भी सोशल साइंस की है किसी भी सामाजिक विज्ञान में जो बच्चे जहां भी प्रिपेशन कर रहे हैं जो कहीं भी तैयारी कर रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए भी मेरा एक संदेश होता है मैं एक बार फिर लाउड एंड क्लियर अपना मैसेज देना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि आपको अपनी तैयारी का पैटर्न सोशल साइंस में बदलना होगा मुद्दा यह नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं मुद्दा यह भी नहीं है कि आप कौन कौन सी बुक पढ़ रहे हैं आप किसका नोट्स पढ़ रहे हैं नहीं मुद्दा यह है कि आप कैसे पढ़ रहे और मैं अभी आपको दिखाऊंगा आपको खुद पता चलेगा तो अब मुद्दा अब सवाल यह उठता है कि अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अच्छा ठीक है यही मुद्दा है कि मैं कैसे आपको पढ़ना चाहिए दैट्स गुड तो पहले कहां से शुरू करें मुझे लगता है कि एक औसत बच्चा जो प्रिपरेशन शुरू करता है उसको पहले पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं मैंने जो आपको आप लोगों को एक क्वेश्चन बैंक यह मिला होगा आपने देखा होगा यह इसके शुरू में ही मैंने सबसे पहले सिलेबस को रखा हुआ है लेकिन आज मैं आप सिलेबस का एक दूसरा रूप भी आपको बताऊंगा क्योंकि सिलेबस को एक नया बच्चा सिलेबस को उलटता है सिलेबस तो मेरे टिप्स ऑफ टंग पर है तो मैं उसको आपके सामने जस्ट एक्नुमाइज की तरह प्रस्तुत करता हूं लेकिन आप देखना तो सिलेबस के वर्डिंग से आप नहीं समझ पाओगे जो शब्द है उस शब्द को अगर आप फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि विषय वस्तु तो पर पकड़ नहीं बन पाएगी लेकिन फिर भी जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी एक औपचारिकता बस मैं पाठ्यक्रम थोड़ा आपसे पहले डिस्कस करता हूं देखिए आपका सिलेबस शुरू होता है जब यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ यहां से आपका पाठ्यक्रम आरंभ होता है और आपके सिलेबस में वर्डिंग है ऑफ इंडिया, सेटलमेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश उसके बाद आपको पोर्चुगीज डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंपनी कर्नाटक युद्ध और वहां से बैटल ऑफ पलासी यानी बंगाल के नवामीर आ, मीर जाफर एंड ब्रिटिश कंपनी सॉरी सिराजुद्दौला uh, और ब्रिटिश कंपनी और पलासी का युद्ध तथा पलासी के युद्ध का सिग्निफिकेंस यहां जाकर आपका पहला टॉपिक को समाप्त कर देते हैं दे चूज एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार उन्होंने दूसरा टॉपिक रखा हुआ है उसमें फिर उन्होंने चर्चा बंगाल से शुरू की है क्योंकि पहले टॉपिक में उन्होंने सिर्फ सिराजुद्दौला की बात की है तो दूसरे टॉपिक में वो चर्चा शुरू करते हैं बंगाल से क्योंकि मैं इसलिए इसको रिपीट रिपीटेडली आपको नहीं नोट डाउन करवा रहा कि पहली बात तो मैं इस तरह से आपको पढ़ाने नहीं जा रहा तो उसको नोट डाउन नोट डाउन कराने का फायदा नहीं है यूट्यूब और इस लेक्चर में फर्क यह है कि क्लास में जितनी चीजें डिस्कस करूंगा उसका मैं नोट डाउन कराऊंगा आप लोगों को पहले तो आज मेरा आपका पहला क्लास है इसलिए आप जो भी कॉपी लेकर आए होंगे चलेगा लेकिन कल से आपको एक विशेष कॉपी लानी पड़ेगी जिस पर आपका नाम लिखा होगा और बड़े ही मोटे अक्षरों में स्पष्ट लिखावट में आधुनिक भारत का इतिहास ओके okay. और फिर वहां से आप उसके सिलेबस को वहीं से आपकी कॉपी कल से मैं जो भी आपको डिलीवर करूंगा मैं आज बता दूंगा कल से क्या करना है और कैसे करना है उसके बाद हर कुछ जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना दूंगा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करवाने की कोशिश करूंगा और फिर साथ ही साथ मैं आपको नोट डाउन कराते जाऊंगा तो वह आपका साथ साथ दोनों चलता रहेगा क्योंकि मेरा मानना है कि पता नहीं सरस्वती का वरदान है या बच्चों के लिए एक खास उनकी अर्जी है आदेश है कि जब तक आप अपने हाथ से कलम नहीं उठाते हो ज्ञान नहीं मिलता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी न किसी स्टेज में कलम उठानी पड़ती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसी तरह से ले चलना पड़ेगा और मैं हर कुछ को आपको डिक्टेट करवाऊंगा ओके okay? तो मैं आपको बता रहा था कि आप दूसरे टॉपिक में एक्सपेंशन में एक्सपेंशन का आलम देखो पहले फिर वो बंगाल से शुरू करते हैं और बंगाल से मीर जाफर वहां से शुरू किया मीर कासिम से ब्रिटिश के कंफ्लिक्ट और फिर वो वहां से बढ़ जाते हैं मैसूर तीन मराठा युद्ध और पंजाब अब देखो ये सब इन युद्धों को आप देखो बंगाल में जब बैटल ऑफ बक्सर जिसको डील का है मैसूर चार चार वॉर चले हैं तक चले हैं और जब वह मराठा के युद्ध की बात करता है तो वह चला आता है एटीन हंड्रेड एटीन तक मतलब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर पर आप जाएंगे तो वह मराठा वॉर चला आता है अठारह सो अठारह तक इस प्रकार से आप देखोगे कि उन्होंने वहां तक सिलेबस लिया फिर थर्ड उन्होंने सिलेबस का पार्ट लिया है ब्रिटिश प्रशासनिक संरचना अब देखिए प्रशासनिक संरचना में भी वही आलम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वो आपको लेते हैं सत्रह सौ तिहत्तर पहले तो वह हल लेते हैं कि शासन प्रणाली से प्रत्यक्ष शासन तक सत्रह सौ तिहत्तर का रेगुलेटिंग अधिनियम सेवनटीन एटी फोर सत्रह सौ चौरासी का पिट्स इंडिया एक्ट फिर अठारह सौ का चार्टर और भारत के संदर्भ में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में आने वाले परिवर्तन और फिर उसमें एक टर्म वो खास जोड़ देते हैं वो टर्म है उपयोगितावाद का भारत पर प्रभाव अब वहां से थर्ड के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर वो तो, चौथा टॉपिक उठाते हैं उसमें उन्होंने एक क्लियर कट हेडिंग दिया हुआ है कि भारत का में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास अब सामाजिक सांस्कृतिक विकास में आपके का जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज लिटरेचर का इंग्लिश प्रेस का विकास है भारतीय प्रेस का विकास है न्यूज़पेपर पेपर जर्नल्स का विकास है और ब्रिटिश के द्वारा जो कुछ एक भारत में जो कुछ इंटेलेक्चुअल गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया गया है उसके विषय में चर्चा है और भारत में कैसे पब्लिक ओपिनियन का विकास हो रहा है उसकी चर्चा है और फिर वो वहां समाप्त हो जाता है अब उसका नेक्स्ट वन टॉपिक वो डाल देते हैं सदी का समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन और वहां राजा राम मोहन राय से लेकर आप आपको फराजी और बहावी मूवमेंट तक जितने भी सोशियो कल्चरल मूवमेंट हुए उसको उन्होंने टॉपिक में डाल दिया अब इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक रखा है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीयों की प्रतिक्रिया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीयों की प्रतिक्रिया वाले टॉपिक को उन्होंने लिया है और उस टॉपिक को उन्होंने एक विशेष रूप से जितने आपके ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट है उनकी चर्चा करते हुए आगे मतलब जितने नहीं है कम से कम चार पांच इंपॉर्टेंट जनजातीय और कृषक आंदोलनों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं जिसमें आपको कुल जनजाति के विद्रोह से लेकर संथाल विद्रोह तक और अठारह के महाविद्रोह को उसी में कवर करते हैं और लास्ट वो कहाँ करते हैं कि अठारह के महाविद्रोह के पश्चात भारत में जो किसान आंदोलन है उनकी बदलती हुई प्रकृति वहां पर ले जाकर छोड़ देते हैं अब आपका नेक्स्ट टॉपिक वो उठाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवाद उसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद वो आगे लेते हुए बढ़ते हैं और उसी में उदारवाद उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद तक ले जाकर उसको छोड़ देते हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने पकड़ा है गांधी गांधी का जनाकर्षण गांधी का कि बदलती हुई राजनीति की शुरुआत गांधी के नेतृत्व में और फिर वहां से असहयोग भी मूवमेंट है उसको गांधीवादी मूवमेंट को उन्होंने कवर किया है साथ साथ किसानों के साथ गांधी के संबंध और वहीं पर वर्किंग क्लास मूवमेंट जिसको बोलते हो श्रमिक आंदोलन वहां तक के एरिया को उन्होंने कवर किया है उसका अगला टॉपिक उन्होंने फिर लिया है कि डिफरेंट स्टैंड डिफरेंट का मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न करियां और फिर वह जिसे आप क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कहते हो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद तो आप लोग जानते हो कि जो बंदूक और गोली की पॉलिटिक्स है उसको क्षेत्रवार दिखाते हैं महाराष्ट्र पंजाब बंगाल और भारत से बाहर के मूवमेंट एक टॉपिक में दिया है दूसरा दिया है लेफ्टिस्ट वामपंथी उसमें आपको समाजवादी साम्यवादी सुभाष पंडित जवाहरलाल नेहरू सबका एरिया कवर किया है और अदर लेफ्टिस्ट पार्टी उसके बाद उन्होंने दिया सेपरेटिज्म इन इंडिया भारत में अलगाववाद अलगाववादी राजनीति उसी में आपको कांग्रेस मुस्लिम लीग हिंदू महासभा और जितने भी इस तरह के ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने अलगाववाद को प्रोत्साहन दिया है उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने इस टॉपिक को लिया है और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेते हुए फिर भारत में क्रिस मिशन कैबिनेट मिशन और स्वतंत्रता और सत्ता का हस्तांतरण यहां तक कवर कर लिया है उसको उन्होंने तीन एक्सक्लूसिव टॉपिक जोड़ा है स्वतंत्रोत्तर भारत इंडिया का एक राफ्ट के रूप मेरी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द वन टॉपिक और वहां से लेते हुए वो आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा सा एसी को ज्यादा फास्ट करो हेलो अंकु आई एम टेलिंग यू नॉट टू फ्रेंड्स एसी एयर कंडीशनर को थोड़ा सा जस्ट टेल हिम तो मैं आपको बता रहा था कि इस एरिया को आप कवर करते हुए आगे बढ़ जाओगे तीन टॉपिक आपको एक्सक्लूसिव लेना पड़ेगा जो स्वतंत्र उत्तर भारत का है उसमें भारत में राष्ट्र निर्माण से लेकर जैसे पहला इश्यू आपका आता है कि नेहरू जिसमें कि रियासतों का विलय का मुद्दा है देशी रियासतों का विलय का मुद्दा है या स्वतंत्रता के शीघ्र बाद जो स्वतंत्रता और विभाजन की समस्या है वहां से लेते हुए आप नेहरू की आर्थिक नीति आप नेहरू की विदेश नीति नेहरू की आर्थिक और विदेश नीति तेज करना है नेहरू की आर्थिक नीति विदेश नीति इन सभी को लेते हुए आप आगे बढ़ोगे और फिर आपका वहां पर टॉपिक जाकर भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन राजभाषा राष्ट्रभाषा की समस्या दलित आंदोलन चुनावी राजनीति में देशी रियासतों की भूमिका चुनावी राजनीति में जनजाति और दलित वर्ग की भूमिका ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू कवर यह पूरा का पूरा जो एरिया है ओके okay? तो इस बात को समझा आप लोगों ने तो ये हुआ आपका सिलेबस लेकिन अगर हम सिलेबस को फॉलो करेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाओगे अब सवाल उठता है कि ये तो आपका सिलेबस का पार्ट हुआ अब हम शुरू कहां से करें फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट तो सबसे पहली बात जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहली जरूरत आपकी होती है ये काम करिए थोड़ा सा तो पेन उठाइए और मैं आपको समझाते हुए उसकी जरूरत को बताते हुए चलूंगा तो आप ज्यादा बेहतर समझेंगे लिखिए आधुनिक भारत रोहित टेम्परेचर को डाउन करना है आधुनिक भारत पहला मुद्दा हम लोग उठाते हैं आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी आधुनिक शब्द क्यों आधुनिक शब्द क्यों वाई मॉडर्न जब बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री की तो सबसे पहली चर्चा आती है कि वाई मॉडर्न आधुनिक क्यों सॉरी कोई नहीं कोई नहीं हाँ तो पहला शब्द आता है आधुनिक क्यों वाई मॉडर्न देखिए आधुनिक आधुनिकता आधुनिकतावाद आधुनिकीकरण ये चार शब्द के अर्थ अलग अलग लेकिन मैं अभी उन शब्द की छेड़छाड़ नहीं करूंगा इसको मैं आपको डिटेल्स में वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट में बताऊंगा क्योंकि तो जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो सही मायने में जिसे आज मॉडर्न कहते हैं उसकी सही समझ आपको विश्व इतिहास वाले कॉलो में होगी लेकिन चलिए मैं अभी कामलाई का आपको बता देता हूं इस पीरियड का इस पीरियड का नाम है आधुनिक तो आधुनिक क्यों इस बात को पहले आप लोग स्पष्ट कर लीजिए देखिए आप आधुनिक शब्द का मतलब समझ रहे होंगे या ना समझ रहे होंगे इससे फर्क नहीं है मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आधुनिक शब्द से एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि जो भी कोई चीज है वो प्रगतिशील है अगर कोई अमूमन आपसे पूछे गए अच्छा ये बताइए कि मॉडर्न शब्द को आप प्रगतिशील मानते हो अथवा प्रगतिहीन तो क्या कहोगे येस yes और नो no. प्रगतिशील शब्द मानोगे तो आप ऐसा प्रगतिशील क्या था इस आधुनिक में तो निकल कर आता है कि देखो इस प्रगतिशील में पहली चीज आई यह है तर्कवाद तर्कवाद, रैशनलिज्म तर्कवाद रैशनलिज्म एंड मानववाद ह्यूमैनिज्म, तर्कवाद और मानववाद पहले इन्हीं दोनों शब्दों को तो मैं आपको यह आप बताना चाहता हूं कि जैसे आधुनिक आधुनिक शब्द अगर आप देखते हो तो पहली बात कि आधुनिक शब्द इस समय तब आया जब यूरोपीय कंपनियां आई यूरोपीय कंपनियों से हमारा संपर्क हुआ ब्रिटिश ने भारत की विजय की ब्रिटिश के द्वारा भारत में कुछ नीतिगत परिवर्तन लाए गए और फिर इस काल का नाम दिया गया आधुनिक काल तो सवाल यह खड़ा होता है कि जो भी कुछ मॉडर्न है वह मॉडर्न पश्चिम से आया क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो पश्चिम वालों ने किया क्योंकि अभी आप आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो आपको पता नहीं है कि पश्चिम वालों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया पंद्रहवीं सदी तक एक तरह से जो एशिया है बल्कि आप कह सकते हैं सत्रहवीं सदी तक एशिया यूरोप से आगे जा रहा था एशिया एक भारत एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप था इसके पास अपार संसाधन थे एशिया के में कम से कम जो कुछ एक एम्पायर थे चाइना और इंडिया जैसे एम्पायर उनका यूरोप में जवाब नहीं था वो पूरे यूरोप के आकार के अगर आप इंडिया को देखोगे तो रशियन पार्ट को अगर आप निकाल दोगे तो भारतीय उपमहाद्वीप यूरोप के बराबर था और चाइना का आकार तो उसे भी बड़ा था तो ये दोनों इस तरह के देश थे और जब इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया और चाइना ने बहुत मेजर टिल हुआ था सत्रहवीं सदी तक इन दोनों का टोटल रिसोर्सेस मिलाओगे तो पूरे वर्ल्ड जीडीपी उस समय जीडीपी का कैलकुलेशन नहीं था जीडीपी का कैलकुलेशन में आप लोगों को पता हो कि वर्ल्ड वॉर के मध्य तो आप जीडीपी तो तो एशिया आगे चल रहा था लेकिन पंद्रहवीं सदी से सत्रहवीं सदी के बीच यूरोप कुछ ऐसे परिवर्तनों की प्रक्रिया से गुजरा जिसको आप व्यावसायिक क्रांति वाणिज्यवाद पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन राष्ट्रीय राज्य का उद्भव अभी औद्योगिक क्रांति नहीं हुई औद्योगिक क्रांति आगे की चीज है अभी व्यावसायिक क्रांति इन तमाम कुछ के बाद यूरोप आगे निकलता चला गया और जो वहां पर चर्च के साथ जो सेकुलर स्टेट की लड़ाई हुई जो राइजिंग मिडिल क्लास का संघर्ष हुआ सामंतवादी पद्धति टूटी पूंजीवाद कैपिटलिज्म यूरोप में आया इस पूरी प्रक्रिया में आप देखोगे कि सबसे पहले जो बदलाव के दो महत्वपूर्ण साधन बने वह है तर्कवाद और मानववाद क्योंकि पहले लोगों के मस्तिष्क पर धर्म का बड़ा गहरा प्रभाव था आप ट्रू लॉजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हर चीज धर्म और परंपरा की कसौटी पर कसकर देखा जाता पहली बार धर्म की चौहदी से बाहर निकलकर जब लोगों ने स्वतंत्र रूप से चीजों को देखना शुरू किया न्यूटन ने फल को नीचे हुए गिरते देखा उसने क्वेश्चनिंग की कि फल नीचे क्यों जा रहा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आया विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का सिद्धांत दिया गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया और उसने हेलियो व्यू ऑफ द वर्ल्ड मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है इस सिद्धांत को उसने लागू किया ये जो बदलाव की प्रक्रिया आई वो तर्कवाद से आई और तत्ववाद से जुड़ी हुई चीज मानववाद थी पहले हर क्रेडिट हर चीज की क्रेडिट गॉड को दिया जाता था मानव को एक पापी प्राणी के रूप में चित्रित किया जाता था कि मानव हमेशा ईश्वर की कृपा के लिए घिघिया रहा हो ऐसे मानव का चित्रण बंद हुआ और पहली बार मानव को प्रकृति के एक महत्वपूर्ण रहस्य के रूप में देखा जाने लगा मानव की प्रतिष्ठा मानव की गरिमा पर बल दिया जाने लगा कुल मिलाकर आप यह समझ लीजिए पहले लोगों की दृष्टि पारलौकिक थी पारलौकिक का मतलब है कि संसार को कम महत्व देते थे आप देखेंगे भारत में ही देखेंगे मध्ययुगीन चिंतन है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या सुना है नाम ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या मतलब ब्रह्म अगम अगोचर ब्रह्म है मतलब अगम अगोचर का मतलब हुआ कि ब्रह्म है वो ब्रह्म ही सब कुछ है और ये पृथ्वी ये संसार है ये माया है तो कुल मिलाकर व्यक्ति को मुक्ति के लिए इस संसार से मुक्ति पाकर ऊपर जाने की राह सजानी चाहिए इस प्रकार की जो धारणा थी वो धारणा बदल गई अब माना गया कि नहीं मानव पापी प्राणी नहीं है मानव जीवन त्रुटिपूर्ण नहीं है मानव प्रकृति का एक महत्वपूर्ण रहस्य है और मानव के पास बहुत सारे गुण है उसे निखारने की जरूरत है मानव बहुत पावरफुल है मानव की अपनी प्रतिष्ठा है मानव का अपना गौरव है तो वहां से मानव होता है ये दो की है मॉडर्न मॉडर्न एज की यह दो चाबी ओके okay? लेकिन यहीं पर वो नहीं रुकता है इसके बाद ये दोनों किस चीज को प्रोत्साहन देगा अब ये दोनों प्रोत्साहन देगा मानव अधिकार व्यक्ति के अधिकार अधिकार निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म और चौथा है प्रतिनिध्यात्मक सरकार मतलब ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स इंडिविजुअलिज्म भी कर सकते हो सेकुलरिज्म एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तो जब ये दोनों चीज आएंगी जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूं कि मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्निटी भी कोई ऐसा नहीं कि रुकी हुई चीज जब तर्कवाद और व्यक्तिवाद आया व्यक, सॉरी जब तर्कवाद और मानववाद आया मानववाद का मतलब समझा मानव का महत्व बढ़ा ईश्वर के समानांतर मानव का महत्व बढ़ा तो मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए एक चीज इसमें और जोड़ना है पूंजीवाद कैपिटलिज्म मतलब एक तरह से मॉडर्न का संबंध इन सभी से जोड़ा गया कि अगर किसी भी समाज में यह सब कुछ है तो मॉडर्न है और वो प्रोसेस इन दोनों ने शुरू किया है लेकिन उस समाज में यह सब परिवर्तन होकर आना है और यूरोपीय समाज इस परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरा और यूरोप दावा करता है कि यही परिवर्तन हमने अपने उपनिवेश में भी लाने उपनिवेश सब तो नहीं बोलता है सॉरी उपनिवेश हम लोग बोलते हैं समझाएंगे आपको उपनिवेश हम लोग उनके लिए बोलते हैं वो नहीं बोलता है कि भाई भारत उपनिवेश था वो तो कहता है कि हम भारत की सेवा के लिए आए थे हम भारत के विकास के लिए आ रहे हैं हम तो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं हम विदेशी जरूर हैं लेकिन आप लोगों के कल्याण के लिए अब उपनिवेश क्या है यह भी बात मैं आपको बताऊं तो कुल मिलाकर यह बात तय हुई ये कंडीशन मॉडर्न एज की खासियत है समझा कि नहीं समझा ये जानने के लिए तुमको केवल इतिहास की जरूरत नहीं है आज मैं आपको क्या बताऊंगा इतिहास तो सारे विषयों की जननी है तो आप इनको जाने बिना आप किसी भी सोशल साइंस में आगे नहीं बढ़ सकते आप कोई भी विषय में जाओगे तो आपको वास्ता परिवर्तन से पड़ेगा ही या फिर दूसरा रास्ता है जो लोग हिस्ट्री में अपनाते हैं और जो वो अपनाते हैं वो फिर तुम भी चाहो तो शॉर्टकट रूट में निकल सकते हो शॉर्टकट रास्ता है कि चैप्टर टू चैप्टर पढ़ते गए घर में बुक्स और नोट्स जमा करते गए लेकिन जब क्वेश्चन की बारी आएगी तो क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं कर पाओ चाहे वो फिलिम्स का क्वेश्चन है मेंस का क्वेश्चन है मतलब एक तरफ से पढ़ते जाओगे दूसरी तरफ से भूलते जाओगे मैं उदाहरण आपको बताता हूं कि आपने जैसे शुरू किया अठारहवीं सदी तो अठारहवीं सदी में आपने अब देखो अठारहवीं सदी में जैसे आपने शुरू किया तो आप यूरोपीय कंपनियां शुरू करोगे तो नॉर्मली बच्चे कैसे पढ़ते हैं पोर्चुगेज कंपनी डच कंपनी ब्रिटिश कंपनी पलासी के कारण बक्सर के कारण और इनको पढ़ने के बाद वह उसे एक पॉइंट्स बना लेंगे या किसी नोट से देख लेंगे या बना बनाया नोट्स ले लेंगे और एक के बाद दूसरा हुआ पढ़ते चले जाएंगे फिर अगले टॉपिक में आएंगे तो उसी प्रकार से मैसूर मराठा पंजाब पढ़ते चले जाएंगे फिर सामाजिक विकास पढ़ते चले जाएंगे आर्थिक विकास और जब तीन चार चैप्टर के बाद जब तुम निकलोगे तो देखोगे कि अब तुम्हारा पीछे का कुछ भी याद नहीं और जब क्वेश्चन पर आओगे तुम देखोगे जो क्वेश्चन है जैसे तुम पढ़ोगे अठारह सौ तेरह का तैतीस का चार्टर तो अठारह सौ तैतीस के चार्टर की तुम विशेषताएं पढ़ोगे भाई ब्रिटिश ने क्या क्या किया वहां पर जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में होगा अठारह 1833 के चार्टर के पश्चात ब्रिटिश कंपनी अपनी पुरानी शक्ति की मात्र रह गई थी इस कथन का पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए तो कहोगे कि भाई 1833 के चार्टर की विशेषता तो मैंने चार या पांच पॉइंट पढ़े थे लेकिन हमने उस समय यह नोटिस नहीं किया था कि ब्रिटिश अपनी पुरानी शक्ति की प्रति कैसे रह गई समझ रहे हो ना उसी प्रकार से आप ब्रिटिश एक्सपेंशन वाले टॉपिक पर आओगे या सोशल डेवलपमेंट सामाजिक और धार्मिक सांस्कृतिक विकास वाले टॉपिक पर आओगे तो एक एक को पढ़ते चले जाओगे लेकिन उससे तुम्हारा काम नहीं आएगा अगर पहले वाला मेथड अगर फ्लॉप नहीं होता तो आज बच्चों की स्थिति नहीं होती हम एक बिल्कुल दूसरी परंपरा लेकर आप लोगों के सामने आए और पूरी तरह से आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि आप इसको अपनाइए चाहे वो जीएस का बच्चा हो या ऑप्शनल का बच्चा हो ये कभी भी अगर आपको मोक्ष मिलेगा तो इसी रास्ते से दूसरा कोई रास्ता नहीं जो क्वेश्चन का लेवल है यूपीएससी का या स्टेट सर्विसेज कहीं क्वेश्चन को आप देखिए और बीपीएससी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा प्रोटो हिस्ट्री से जोड़कर उन्होंने सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में पूछा और हिस्ट्री में सबसे बड़ी चीज यह है कि आपका सिलेबस बिल्कुल ही पाठ्यक्रम स्पष्ट कर दिया है इतना स्पष्ट पाठ्यक्रम किसी विषय का नहीं जो स्लेवस में जो दिया गया है वो बिल्कुल ही पाठ्यक्रम कर दिया गया है। क्या चलिए उस बात तो हम समझते हैं कि चाहे वो जीएस का बच्चा हो या ऑप्शनल का बच्चा जो एक अध्ययन की प्रणाली है अध्ययन की प्रणाली एक सी है फाउंडेशनल का जैसे जो जीएस का बच्चा है उसको चाहिए कि वह हिस्ट्री का अध्ययन करे क्षैतिज अध्ययन और वर्टिकल वर्टिकल कम क्षैतिज ज्यादा और जो औप्तम का बच्चा है उसको वर्टिकल अंदर ज्यादा जाना पड़ता है लेकिन याद रखने के लिए जब तक सामान्य अध्ययन की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो भी अगर इस तरीके को नहीं अपनाएंगे तो उन्हें भी तैयारी में काफी परेशानी हो जाएगी वो फिर याद नहीं रख पाएंगे देखो सबसे बड़ी चीज हमारे लिए समस्या ये नहीं कि आप इस बुक से पढ़ते हो या उस बुक से पढ़ते हो वो आपके लिए समस्या नहीं आपके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसको आप प्रिजर्व करके कैसे रखते हो और क्वेश्चन में उसको कैसे आप ढालते हो जो मैं अभी आपको उदाहरण के तौर पर दूंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसको ऐसा करते हैं इसको अमूमन पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को तुम बांटोगे तो चार पार्ट में आपका बढ़ता है जैसे पहला आपका बढ़ता है अठारहवी सदी का इतिहास अठारहवीं सदी का इतिहास दूसरा आपका बढ़ता है कि भारत में औपनिवेशिक औपनिवेशिक शासन शासन की विशेषताएं विशेषताएं भिन्न चरण भिन्न चरण तथा इसका प्रभाव भिन्न चरण तथा इसका प्रभाव तीसरा आपका बनता है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया ब्रिटिश हाँ, शासन के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया इंडियन रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल तथा राष्ट्रवाद के विकास के भिन्न चरण राष्ट्रवाद के विकास के भिन्न चरण राष्ट्रवाद के विकास के भिन्न चरण और चौथा आपका बनता है स्वतंत्रोत्तर भारत में स्वतंत्रोत्तर भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौती स्वतंत्रोत्तर भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौती राष्ट्र निर्माण की चुनौती की चुनौती तथा राष्ट्र निर्माण की चुनौती तथा राष्ट्र निर्माण दिशा में प्रगति राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रगति राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रगति देखो ये आप लोगों के सिलेबस में इन्होंने क्लियर कर दिया है ऑप्शनल बाने में तो 1964 तक जा रहे हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 1964 तक वो जा रहे हैं। आपको आजादी 1947 में मिली लेकिन वह उन्नीस के बाद उन्नीस तक वो जा रहे लेकिन जीएस के सिलेबस में तो उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि उन्होंने उन्नीस तक रुकना है या आगे तक रुकना जैसे देखो सबसे दिलचस्प चीज यह है कि आपके जीएस में 60 परसेंट जो ऑप्शनल का सिलेबस है वो आपको जीएस का पार्ट बना दिया है समझ रहे हो तो आपके 60 परसेंट सिलेबस का जीएस में पार्ट बना दिया है और जीएस में ऑप्शनल में तो चलिए हंड्रेड मार्क्स के फर्स्ट पेपर में आपका क्वेश्चन होता है वहां पर आप एज ले सकते हो कि जैसे फर्स्ट पेपर अगर ऑप्शनल का पेपर आप देखोगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि जैसे इंडियन सोसाइटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्वेश्चन फिर बहुत सारा करंट से इक्का दुक्का फिजिकल ज्योग्राफी से वो लेते हैं नहीं तो अधिकांश तो वो करंट से क्वेश्चन आपको ले लेंगे लेकिन जो आपका ऑप्शनल का पेपर है थोड़ा तो ध्यान रखिएगा छीक वीक वाले सब थोड़ा सा मास्क है ना मैंने कहने का ये अर्थ है कि उस समय थोड़ा सा बचाना है अभी पूरी तरह से काल टला नहीं है तो कोशिश करनी है कि जितना अपने आपको बचाते रहे ठीक है वो आपकी अपनी सुरक्षा है मुझे तरफ से जो सरकार ने आपको फ्री कर दिया तो अब आप तो क्या कहीं अपॉइंटमेंट है क्या तो तो मैं आपको बता रहा था कि अब जब जैसे इन इन चार पार्ट में देखना है तो अब हमें जैसे प्रोसीड करने की बात है तो प्रोसीड करने में मैं चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हों या कोई भी यूपीएससी में जो क्वालिफाई करने की तमन्ना रखते हो अगर क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हो तो आप इस तरीके को अपनाना बहुत कारगर तरीका है इससे आपको जिनरल स्टूडेंट में भी फायदा मिलेगा जीएस में क्या करते हैं बच्चे प्राय ऑप्शनल क्या उनको जो नॉर्मली क्या होता है उनको पढ़ाया भी जाता है जीएस के क्लास में तो ऑप्शनल के क्वेश्चन रख दिए जाते हैं बिल्कुल नहीं रखना चाहिए ऑप्शनल के क्वेश्चन 80 परसेंट जीएस के क्वेश्चन से बिल्कुल अलग होते हैं ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन कॉमन दोनों के हो सकते हैं ट्वेंटी परसेंट जो जीएस में जैसे ऑप्शनल का जो पेपर होता है उसमें हम देखने से ही पता चल जाता है कि जीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है हम उसको ट्वेंटी परसेंट वैसे क्वेश्चन को ले सकते हैं लेकिन हाँ इतना दावे के साथ कर सकते कि अगर आपने ऑप्शनल की ढंग से तैयारी की हुई है तो जीएस के लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ऑप्शनल में वो सारा एरिया कवर कर लेते हैं जिनल स्टडी मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर आपको कुछ पढ़ना पड़ता है सिक्सटी फोर तक तो ये ले लेते और जीएस में सिक्सटी फोर से आगे वो क्वेश्चन पूछ नहीं रहे और ऑप्शनल भी पर्यावरण पर तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा के दशक तक पूछा है तो इस लिहाजन स्वतंत्रोत्तर भारत थोड़ा, आगे तक चला जाता है अब मैं आपको बताना चाहता कि आपका सिलेबस शुरू हो, होता है यूरोपियन कंपनी से ओके यूरोपियन कंपनी जो इंडिया में आई कंपनी अब मान लो अगर हम आपको शुरू कर देते हाँ बच्चों पढ़े पुर्तगीज कंपनी आए पुर्तगीजों की ये नीति रही उसका ये प्रभाव रहा डच आए पूर्तगीज हारे डच की ये पॉलिसी रही उसका ये प्रभाव रहा ब्रिटिश आए और फिर ब्रिटिश और डच में संघर्ष हुआ दोनों ने अलग अलग सेटल किया फ्रांसीसी आए ब्रिटिश और डच कंपनी में संघर्ष हुआ तो मैं तो वही अक्षर ज्ञान आपको देता जाऊंगा जो पुस्तकों में है दिक्कत ये पूरी जो भी बच्चों के कोचिंग की समस्या आ रही है वही आ रही है कि जब लोग पढ़ाते हैं बच्चों को तो उनको फिर उन्हीं चीजों को बुक वाले चीजों को शॉर्ट करके दे देते हैं कहते हैं नोट से इसको रखिए ठीक से पढ़िए अब बच्चे को लगता है कि भाई अगर कोई मेरे दिमाग में भी अपना दिमाग फिट कर दे तो ज्यादा अच्छा है कि मुझे दिमाग को कष्ट ही ना देना पड़े और सीधे सफलता मिले ऐसी कोई जुगत है नहीं एनसीआरटी बच्चों को पढ़ने के लिए कहो तो एनसीआरटी की भी उनको क्लास चाहिए तो इस तरह से जब तक आप टोटली डिपेंडेंट रहोगे तो सिलेक्शन फिर नहीं होगा सिलेक्शन के लिए आपको थोड़ा हाथ पाव मारना होगा और मैं तरीका बताता हूं बहुत ही सुगम तरीका है जैसे आपने पढ़ना शुरू किया तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने देखा कि पहले आपने मॉडर्न क्या है उसको आपने पढ़ा अब आप यूरोपीय कंपनी पढ़नी है तो ये बच्चे ठीक है मैंने अभी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा है लेकिन अगर मैं सीधे पोर्चुगीज कंपनी से शुरू कर दू तो कुछ अनकहा रह जाएगा आपको मजा नहीं आया पहले पोर्चुगीज आए क्यों भाई ये डच क्यों आए ब्रिटिश क्यों आए इससे पहले तो नहीं आए थे आखिर इस काल में ऐसा हुआ क्या हुआ आए तो पहले हमको यूरोप की राजनीति देखनी पड़ेगी ओके अब यूरोप की राजनीति देखा तो यूरोप में जो परिवर्तन हुआ जो किस तरह का परिवर्तन हुआ क्योंकि देखो इंडिया दुनिया से अलग नहीं आपके एन में क्लास नाइन्थ में या तो वो मुझे लगता है कि फर्नांडे ब्रॉदेल का स्टेटमेंट है एरिक एरिकॉसवम का वो आपको प्रीफेस में दिया है कि विश्व को जाने बिना हम भारत को नहीं जान सकते वी नॉट नो द नेशन नॉट भारत सॉरी हम विश्व को जाने बिना राष्ट्र को नहीं जान सकते तो विश्व में जो बदलाव हो रहा है वह बदलाव आपको राष्ट्र में समझना तो पहले वहां क्या बदलाव आया जिस कारण से ये कंपनी आई लेकिन मैं यहां से भी नहीं शुरू करूंगा मैं थोड़ा सा और आपको पीछे ले चलूंगा विघटन हो चुका है तो पहले मैं आपको कब्रिस्तान ले चलूंगा मुगल साम्राज्य का कब्रिस्तान क्योंकि तो जब तक मुगल साम्राज्य का डेड बॉडी पर जो नए नए राज्य खड़े हुए हैं उनको अगर आप नहीं देखोगे तो ब्रिटिश विजय करेंगे तो किस को सीधे कहोगे मैसूर तुम्हारे दिमाग में मैसूर आया कहां से कहां से आकाश टपका था क्या और है ना पंजाब रंजीत सिंह अरे रंजीत सिंह कहां से कोई आकाश से थोड़ा गिरे थे रंजीत सिंह जो गुरु नानक के जो सिखिजम है और गुरु गोविंद सिंह के समय जब मुगल इंपायर ने जब प्रोजिक्यूट किया और फिर उसके बाद जब सिखों में एक एक जुझारूपन आया उस जुझारूपन ने कैसे मुगल स्टेट की स्थापना की तरफ ले गया हल्की सी इसकी समझ ना हो तो रंजीत सिंह कैसे समझेंगे मेरी मजबूरी को समझ रहे हो कि तो पहले मैं आपको मुगल साम्राज्य का कब्रिस्तान ले चलूंगा जब कब्रिस्तान ले चलूंगा तो एक चीज वहीं पर डिस्कस कर लूंगा एटीन सेंचुरी डिबेट जो हिस्टोग्राफी का मुद्दा होगा उस पर हम अभी, अभी अभी आते हैं तो मैं वो हिस्टोग्राफी इतना एक्सक्लूसिव और इतना इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए बल्कि का पहला क्लास में आपको इतिहास लेखन पर ही लूंगा कल कल का जो मेरा क्लास होगा इतिहास लेखन पर होगा जो आपका पहला होगा आपकी खोलने वाला पार्ट वहीं से आपका दृष्टि जैसे उसमें आपको देखते हो जैसे आप जब मूवी देखते हो थ्री तो पहले एक चश्मा देता है किस चश्मे को पहनो तब दिखेगा नहीं तो नहीं दिखेगा तो कल मैं आपका थ्री मूवी का चश्मा पहनूंगा होगा इतिहास लेख जीएस वाले बच्चों को उसके जीएस वाले बच्चों को हल्का छौका मारना पड़ता है जीएस वाले बच्चे फॉर्मेलिटीज तो यही पालन करना पड़ता है क्योंकि उनको भी अगर ओरिजेंटल नॉलेज नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है देखो ना 1940 के दशक में किन कारणों ने 1940 के दशक में ब्रिटिश से भारत को सत्ता हस्तांतरण को जटिल बना दिया अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रवाद के बीच सहसंबंधों को निर्धारित किया ये सब क्वेश्चन कैसे जीएस का बच्चा करेगा जब तक थोड़ी उसको समझ हिस्टोग्राफी की नहीं तो वो हल्का मैं बता देता हूँ उनको भी इन आप लोगों को तो हिस्टोग्राफी कैपिटल है पूंजी है जो आपको बाकी इस बाजार के बच्चों से अलग कर सकता है पूरी तरह से तो उस पर मैं आऊंगा लेकिन तो मैं ये पहले मुगल साम्राज्य के कब्रिस्तान पर आपको ले जाऊंगा अब उसके बाद उस कब्रिस्तान पर हम सारे राज्यों से परिचय करा देंगे तब आएंगे यूरोपीय कंपनी पर फिर यूरोपीय कंपनी पर डायरेक्ट हम नहीं आएंगे हम पश्चिम से जो बदलाव हो रहा है और वह बदलाव भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को प्रोत्साहन दिया अब यूरोपीय कंपनियां आई तो उसकी भारत के विषय में नीतियां कैसे कैसे रही एक के बाद दूसरी कंपनी सफलता और सफलता मतलब इन्फॉर्मेशन में तुम किस से पीछे नहीं रहोगे सारा इंफॉर्मेशन यहां गैदर करते हुए उनके आपसी संबंधों को समझते हुए अब जब तो यूरोपीय कंपनियां तुम्हारा कवर हो जाएगा तब भारत में जब विजय होगी तो एक मैसूर विजय है एक मराठा विजय है एक पंजाब विजय है ये तो बिल्कुल ये तो रटने वाली बात हो जाएगी ना फिर ये मराठा विजय उसके ये कारण है ये पंजाब विजय नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम हम लोग फिर क्या करेंगे हम लोग उपनिवेशवाद का अध्ययन करेंगे और जब उपनिवेशवाद का अध्ययन करेंगे तो हम आपको ऐसे ले चलेंगे तब आपको हम ले चलेंगे डायग्राम पर दूसरा चरण पर पहुंचो क्यों क्योंकि पहले आपको समझना है कि उपनिवेशवाद है क्या भाई ब्रिटिश कहते हैं कि देखिए आपके यहां विदेशी शासन था परंतु उपनिवेशवाद नहीं था तो क्या उपनिवेशवाद है क्या तो उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मान कर चलती है कि उपनिवेश का हित मात्री देश के हित के अधीन उपनिवेश का हित मात्री देश के हित के अधीन तो मतलब यह है कि उपनिवेश को मात्री देश के हित में मात्री देश कौन है मात्री देश वह है जो उपनिवेश बनाता है दैट हु क्रिएट्स द उपनिवेश उपनिवेश कैसे बनता है तो उपनिवेश कहते किसको है तो किसी क्षेत्र पर बल प्रयोग के माध्यम से जब उसे आप अपने नियंत्रण में ले आते हो और उनकी अर्थव्यवस्था का दोहन यानी शोषण आप अपने हित के लिए करते हो तो उपनिवेशवाद का कर। रिपीट करू फिर आप किसी क्षेत्र पर बल प्रयोग करके उस पर आप नियंत्रण स्थापित कर लेते और फिर उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था का एक्सपेक्टेशन उनका दोहन आप अपने हित के लिए करते हो तो दैट इज कॉल्ड उपनिप्रेशन जब ब्रिटिश आए या बाकी यूरोपीय कंपनी आई तो मैं दुनिया क्यों दिखाऊंगा क्योंकि दुनिया में अमेरिका कब जुड़ा है एक समय था कि वर्ल्ड कार्टोग्राफी में अमेरिका नहीं था वर्ल्ड कार्टोग्राफी में अमेरिका जुड़ा है फिफ्टीन सेंचुरी के अंत में लोगों ने जाना अमेरिका तो जब अमेरिकी महाद्वीप जब वर्ल्ड कार्टोग्राफी में आया और यूरोपीय कंपनियां ने वहां व्यापार शुरू किया अफ्रीका के कि तटीय क्षेत्र में व्यापार शुरू किया वहां पर बल प्रयोग किया लूटा सभ्यताओं को पट पटका मारा जो किया स्पॉइल किया लूट खसूट मचाया, वहां के संसाधनों को लूटा जब हमारे यहां वो आए तो हाथ जोड़कर प्रतिवेदक बनकर आए क्योंकि यहां पर तो या हमारे यहां चाइना में गए क्योंकि प्रतिवेदक या पेटिशनर्स बनकर आना उनकी मजबूरी थी इतने पावरफुल एम्पायर थे एशिया में कि यहां पर पर उनकी दादागिरी नहीं चल सकती थी वहां तो आए कि भाई हमें थोड़ा सा व्यापार करने दीजिए चाइना में तो और भी चीन के शासक ने उनको किस तरह का नियम लागू किया कोतो का नियम कि आप हमारे दरबार में आइए तो तीन बार घुटना टेक कर नौ बार मत्था टेकना पड़े और करते थे मैकार्टनी को भी एक घुटना टेकना पड़ा था जाकर हमारे यहां उस तरह का ह्यूमिलेशन उनको नहीं था यहां पर मुगल दरबार में प्रायम को सम्मानित ही किया गया लेकिन उन पर रेस्ट्रिक्शन था वो कभी सोच नहीं सकते थे यहां पर अपनी राजनीतिक दादागिरी दिखाने का लेकिन वही ब्रिटिश कंपनी जब सारी कंपनी को छोड़कर आगे निकल गई वही ब्रिटिश ने अंत में पलासी और बक्सर का बैटल जीता और उसको जीतने के बाद फिर धीरे से हमें उपनिवेश बना लिया जैसे चीन में अफीम युद्ध जीता तो चीन को उपनिवेश बना लिया अब जब उपनिवेश बना लिया तो पहले हमसे व्यापार करते थे दैट वॉज द हेल्दी ट्रेड क्योंकि जो वस्तुएं हमें खरीदते थे उसके बदले हमें वो क्या देते थे कीमती धातु जो अमेरिका से लाते थे अब उनको क्या करना है तो अब वो हमारे यहां से ही राजस्व संग्रह करने लगे हमारी ही वस्तुओं को लूटने लगे हमारे यहां से राजस्व संग्रह किया और हमारे पैसे से हमारी वस्तुएं खरीदी और यहां से यूरोप और ब्रिटेन निर्यात करते रहे वहीं से धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रॉब्लम शुरू हुआ तो वह क्या है उसे बोलते हैं उपनिवेश व अब तो आप, आपको यहां पर पहला डायग्राम आपको बताएगा उपनिवेशवाद का पहला चरण क्यों क्योंकि उपनिवेशवाद की बड़ी सिंपल सी परिभाषा है कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है परंतु वह राजनीतिक प्रशासनिक सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी प्रभावित करता चलता है उपनिवेश बात एक आर्थिक संबंध है परंतु वो राजनीतिक प्रशासनिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे को भी प्रभावित करता चलता है तो मतलब क्या हुआ कि वह जो हम पर नियंत्रण स्थापित किया तो इस समय इनका उद्देश्य ये है तो उद्देश्य क्या है कि वो तो अधिकतम रूप में यहां से राजस्व भारत में वसूल करो और उसी राजस्व के पैसे से यहाँ की वस्तुएं खरीद करो और बेच कर मुनाफा कमाओ तो गौर करने वाली बात है उन्होंने हमारे यहां नियंत्रण स्थापित किया है ओके तो नियंत्रण स्थापित किया है तो आखिर कंट्रोल करते हो तो तुमको तो यहां पर कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी तुम ठीक है तुमने आर्थिक हित के लिए हम पर नियंत्रण स्थापित किया देखो आज मैं आपको बेसिक फाउंडेशन इसलिए बता रहा हूं कि पहले मैं आपको मैसेज यह देना चाहता हूं कि आप जो अभी उपलब्ध जो पैटर्न है या जो प्रचलित बाजार का पैटर्न है उस पैटर्न को आप छोड़कर इस पैटर्न में ढलो फिर आपको मजा भी आएगा उत्साह भी आएगा क्वेश्चन आंसर भी कर पाओगे और अपने को इम्पावर्ड फील करोगे इस नॉलेज का उपयोग बाकी विषयों के भी ज्ञान में कर पाओगे एक देखने का बेहद नजरिया मिलेगा तुम तो। पहली बात तुमने दिमाग में भरो कि सोशल साइंस में तुम चाहे जिस कॉलेज से भी आए हो जिस संस्थान से भी आए हो पहले आपने इससे पहले कहीं से क्लास भी की है उस सबको पहले वहीं छोड़ के आओ लाउड एंड क्लियर मैं आपको बता रहा हूं और फिर इस पैटर्न में ढलना है तो मैं आपको बता रहा हूं कि अब वो कंट्रोल करते थे तुमको एक राजनीतिक नीति चलानी पड़ती थी कुछ सामाजिक नीति बनानी पड़ती थी कुछ सांस्कृतिक नीति बनानी पड़ती थी तो ब्रिटिश क्लेम करते हैं कि देखो भैया हमने राजनीतिक नीति अपने आपके लिए बनाई हमने इतना पेन लिया आपके यहां शासन किया देखिए इतना अच्छा प्रबंधन आपको दिया आपके यहां मैंने अपनी प्रशासनिक नीति बनाई मैंने आपके समाज के लिए भी कुछ नीतियां बनाई मैंने आपकी संस्कृति के लिए नीतियां बनाई तो हम लोगों ने यहीं पर पकड़ लिया कहा कि देखिए चूंकि आपका उद्देश्य यह था तो इस उद्देश्य के तहत आपने यह नीति बनाई इस उद्देश्य के तहत आपने यह नीति बनाई इस उद्देश्य के तहत आपकी यह नीति रही इस उद्देश्य के तहत आपकी यह नीति रही और इकोनॉमी पर ही प्रभाव दिखाया कि इकोनॉमी को जो आपने डैमेज किया उसकी बात तो छोड़िए जो किया वो कितना किया तो जैसे यहां पर आपका आपका बिल्कुल ही अस्पष्ट था लक्ष्य कि अधिकतम रूप में हम राजस्व का दोहन करें और दोहन करके उसी राजस्व से हम यहां की रकम खरीद करें तो आपको हमसे कोई लेना देना नहीं था तो आपने क्या किया प्रशासनिक ढांचे में भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं लाया क्योंकि प्रशासनिक ढांचे में आप परिवर्तन लाते तो आपको उसमें परेशानी होती आपको पेन लेना पड़ता आपको दर्द लेना पड़ता आप दर्द उठाने के लिए तैयार नहीं थे और फिर अगर आप प्रशासनिक सुधार करते तो आपका दायित्व तो बढ़ जाता रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती तो आपका खर्च बढ़ जाता आप तो चाहते हो कि खर्च बचाओ यार। और बचा कर उसको ट्रेड में निवेश करो तो आपने यहां से हाथ खींचा यहां राजनीतिक नीति में आपने भारतीय राज्यों से युद्ध भी लड़े संधियां भी की कुछ भूभाग का भी अधिग्रहण किया लेकिन आपकी कोशिश क्या है उस आपकी कोशिश है कि अपने शत्रु राज्यों को मित्र राज्यों से घेरते रहें और भारतीय राज्यों के पैसे से ही एक बड़ी सेना खड़ी करें और कम से कम युद्ध करें कम से कम अधिग्रहण करें क्योंकि युद्ध और अधिग्रहण में हमें फायदा नहीं इस काल में आपने समाज सुधार में रुचि नहीं ली इंडिया में इतनी तरह की सामाजिक कुरीतियां थी आपने उसमें कोई रुचि नहीं ली आपने समाज में परंपरागत सामाजिक ढांचे को ही बनाकर रखा ओके सांस्कृतिक क्षेत्र में आपके जो अधिकारी आए जिन्होंने भारत में शासन किया हैविंग एन ऑडियंटलिस्ट अप्रोच उनका प्राचीवादी दृष्टिकोण था वो भारतीय अतीत और संस्कृति की प्रशंसा में ही रह गए और उन्होंने हमारे यहाँ सुधार करने में कोई रुचि नहीं ली बल्कि कहा कि भारतीय अतीत और संस्कृति बेहतर है प्रगतिशील है उसे रहने दीजिए क्योंकि आपका आपकी जिज्ञासा उसमें नहीं थी या फिर आप यह सिद्ध करना चाहते थे कि आपका अतीत तो बहुत ही प्रगतिशील था लेकिन आपका वर्तमान पतनशील है और ब्रिटिश शासन में ही आपको पुराने गौरव पर लौटाया जा सकता है सो यू आर हैविंग योर ओन एजेंडा टू प्रूफ तो आपने ऐसे किया अब इसके बाद दूसरा चरण में जब आप आ गए तो आप आ गए औद्योगिक चरण में उसका टाइम पीरियड भी मैंने दिया कि जैसे आपका सत्रह संतावन से अठारह तक आ गए तो अठारह का इतिहास इसी तरह से चलेगा आप लोग जब पढ़ते हो तो क्या करते हो मैं बताता हूं जैसे पहला टॉपिक उठाया तो कर्नाटिक यूरोपीय कंपनियां कर्नाटिक वॉर पलासी और बक्सर पढ़ लिया पलासी बक्सर के बाद तब आपने पढ़ लिया क्या सिलेबस तुम वार्न के कुछ पता है कि नहीं मैंने कुछ देखा है इससे पहले मैं क्वेश्चन पूछने नहीं जा रहा मतलब वैसे भी तुम अगर जैसे पलट के देखोगे या फिर एनसीआर भी देखोगे तो अभी तुमको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन एक बार जैसे इसको कवर कर लोगे तो बुक रीडिंग भी तुमको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगी तो आप देखोगे जैसे आपका पहला टॉपिक आता है वह टॉपिक है कर्नाटिक व यूरोपीय कंपनियां उसके बाद आगे बढ़ते हो तो फिर वारेन हेस्टिंग्स के सुधार वगैरह उसके बाद कॉर्नवालिस में चले आते हो कॉर्नवालिस के बाद आप लॉर्ड हेस्टिंग्स चले आते हो और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद विलियम बेंटिक आप यहां देखते हो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय अगला चैप्टर देखते हो रेयतवा और महालवा पद्धति तो आपको यह पता ही नहीं कि रैयतवा महालवा पद्धति अस्थाई बंदोबस्त इसका उपनिवेशवाद से क्या संबंध है आप केवल वहां पर सूचनाओं का संग्रह करते हो समझते हो इतिहास वही नहीं वो इतिहास नहीं इतिहास यह है कि अस्थाई बंदोबस्त वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण में था जो मैंने पहला चरण बताया मतलब वो पहला है वाणिज्यिक चरण का जो उपनिवेशवाद था यह वाणिज्यिक चरण तो इस इसमें अस्थाई बंदोबस्त इसके लिए अस्थाई बंदोबस्त जिसका उद्देश्य था कि भारत से अधिक से अधिक राजस्व संग्रह करके व्यापार में निवेश करके हम मुनाफा कमाए और जब तुम औद्योगिक चरण पर पहुंचे तब रेतवारी और महलवारी आ जाए क्योंकि वहां उद्देश्य बदल जाएगा उद्देश्य बदलने से सारी नीतियां बदल जाएगी क्योंकि अठारह का चार्टर लाएंगे वो और उस चार्टर का उद्देश्य होगा कि भारत में ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दे और व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके भारत को कच्चे माल का आयातक और तैयार माल के निर्यातक के रूप में परिवर्तित कर दे सॉरी कच्चे माल तैयार माल के आयातक और कच्चे माल के निर्यातक के रूप में परिवर्तित कर दे मतलब भारत विनिर्मित वस्तुओं का आयातक बन जाए और कच्चे माल और कृषि उत्पादों का निर्यातक बन जाए इस उद्देश्य को चूंकि अब उनको ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है तो औद्योगिक पूंजीवाद आ चुका है और आप जैसा कि जानते हो कि उपनिवेशवाद की परिभाषा है कि उपनिवेश मातृ देश के हित के हित लिए अर्थ रखता है तो वहां औद्योगिक पूंजीवाद आ गया तो पूंजीवाद के अनुकूल भारत की नीति भारत के संबंध में ब्रिटिश नीति बदल गई अब भारत को खोल दिया गया पहले क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का व्यापारिक एकाधिकार दिया हुआ था यूरोप की किसी भी कंपनी को अनुमति नहीं थी कि वो भारत में आकर व्यापार कर सकते थे अब यूरोपीय कंपनियों को अनुमति मिल गई बल्कि यूरोपीय पूंजीपतियों की कि कि बड़ी मात्रा में आप वहां से अपनी वस्तुओं को भारत में निर्यात करिए विनिर्मित वस्तुओं को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को और कंपनी को काम हो गया कंपनी का काम हुआ कि आप उन वस्तुओं को भारत में प्रोत्साहन दीजिए तो अब जितनी नीतियां हैं सब उनके अनुकूल बदल जाएगी तो पहले चरण में उन्होंने कोशिश की थी कि भारतीय राज्यों में हम युद्ध और विलय को जहां तक संभव हो सके टालें अब उनकी कोशिश है कि जितनी अधिक युद्ध और विलय कर सकें वह बेहतर है क्योंकि जितनी सारे क्षेत्रों को हम मिलाते जाएंगे उतने क्षेत्र में हम ब्रिटिश वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहन दे सकेंगे वहां से हम कच्चे मालों को अच्छे ढंग से बटोर सकेंगे और फिर अगर भारत को बाजार के रूप में डेवलप करना है तो रेलवे यातायात और संचार को डेवलप करिए प्रशासन में व्यापक सुधार और परिवर्तन लाइए समाज सुधार को प्रोत्साहन दीजिए अंग्रेजी शिक्षा को लागू करिए ताकि भारतियों का एक नया वर्ग आए जिसका आकर्षण भारतीय में हो उस समय भारत के संदर्भ में जो दृष्टिकोण है वो प्राच्यवाद को छोड़कर उदारवादी बन गया उदारवादी और उपयोगितावादी जो चाह रहा है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा सुधार और परिवर्तन हो तो मैं आपको यह बताना चाहता सिर्फ उसी प्रकार से आप चले जाओगे तृतीय चरण में ये चरण आपका आ जाएगा अठारह से 1856 तक तो इस चरण में जितनी भी नीतियों का परिवर्तन हो उन सबको उपनिवेशवाद से जोड़कर देखो देखो और देखो कि प्रशासनिक नीति का आर्थिक नीति से क्या संबंध है आर्थिक प्रशासनिक सामाजिक सांस्कृतिक नीति का परस्पर क्या संबंध है तब आपको क्लैरिटी आएगी क्रिटिकल व्यू आएगा तब आप क्वेश्चन का उत्तर कर सकते हो अभी जो आप पढ़ के आए हो मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं आप घुटने टेक दोगे आपको एक का भी उत्तर नहीं कर पाओगे क्योंकि तो आपने अभी तक केवल सूचना बटोरने की कोशिश की और सबसे बड़ी चीज है कि जन्नत और जहन्नुम दोनों चले जाते हैं सूचना भी याद नहीं रहती सूचना भी याद रहने का एक तरीका होना चाहिए आप, आपको क्रिकेट का स्कोर भी क्यों याद रहता है क्योंकि इंटरेस्ट रहता है इंटरेस्ट जब तक नहीं होगा तो याद कैसे होगा कोई ऐसी विधि है जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट ना हो और याद हो मैं तो इसलिए अपने YouTube चैनल पर जो लेक्चर देता हूं पास्ट एंड प्रेजेंट कम्युनिकेशन सीरीज की पहले लोगों को इंटरेस्ट तो है इंटरेस्ट आएगा तो याद रहेगा भूल नहीं सकते हो और हिस्ट्री तो सब्जेक्ट ऐसा है कि सभी की जन्म कुंडली आपके हाथ में सारे विषयों सारे विषय यहीं से, से निकलते तो, अब अगर समाज तो समाज शास्त्र कोई पढ़ेगा तो समाजशास्त्र आधुनिक युग में जैसे अगर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे तब वो जाता है एंसियंट आप, 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 का जगह आप अगर सोशियोलॉजी इंडियन सोसाइटी का अध्ययन करते हो तो प्राय वो वर्ना कास्ट तो देख ले वर्णा कास्ट तो जो पढ़ेगा वो उसको आधुनिक युग में भी जानना ही पड़ेगा अन्यथा तुम देखोगे सारे मॉडर्न अब जनरल में एक साधारण सा क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से ऐसे कारक है जिसने भारतीय संस्कृति को दीर्घजीवी बनाया तो वहां पर जब बच्चे जाएंगे तो उनको कहेंगे अरे ऐसा कोई कारक तो मिल ही नहीं रहा परीक्षा भवन में जाके घुटने टेक देंगे अगर आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप किसी भी क्वेश्चन में घुटने नहीं टेपोगे तो ये मैंने बताया कि इस तरह से अठारह सो छप्पन तक पहुंचा कि जो उपनिवेशवाद जब आप अठारह के बाद से उन्नीस तक आप तक आप लोग कुछ उधर कोई दिक्कत क्या ठंडा लग रहा है उधर ए सी थोड़ा सा कम कर देना उनको दिक्कत हो रही है दूसरी तरफ उधर भी कम करना है तो हाँ इस मुद्दे पर आइए उधर भी थोड़ा देख लेना उधर हाँ। तो जब आप तीसरे चरण में आओगे तो तीसरे चरण में यही चीज आपको उन्नीस तक चला जाएगा उपनिवेशवाद का मतलब उसमें आप यह देखो कि ब्रिटिश नीति कैसे परिवर्तित होती रही भारत पर इसका कैसे प्रभाव पड़ा अब इसके बाद जब राष्ट्रवाद का टॉपिक आते हो तो राष्ट्रवाद का टॉपिक है कि भारतीय प्रतिक्रिया तो जैसे आपने अलग पढ़ा जनजातीय आंदोलन किसान आंदोलन वगैरह नहीं फिर उसमें मजा नहीं आया भारतीय प्रतिक्रिया भी अलग अलग रूप में हुई जैसे कहते हो राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद क्या है राष्ट्रवाद में भी कई चरण है जो पहला चरण आता है वो आदि राष्ट्रवादी का आता है फिर आधुनिक राष्ट्रवाद आपका शुरू होता है उन्नीसवीं सदी के समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन से तो वहां से आपके आधुनिक राष्ट्रवाद का आगमन होगा और उसी आधुनिक राष्ट्रवाद पहले आपने आपको धर्म के क्षेत्र में या संस्कृति के क्षेत्र में अभिव्यक्त करेगा और वही फिर चला जाएगा राजनीतिक राजनीतिक रूप में राष्ट्रवाद के ही व्यक्ति होने लगेगी राष्ट्रवाद इसी बार आपका क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रवाद व्यक्ति भिन्न भिन्न रूपों में हुई है इस 2020 में 2021 में क्वेश्चन हुआ कि भिन्न भिन्न रूपों में राष्ट्रवाद कही व्यक्ति हुई है भिन्न भिन्न रूप है एक है धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक जिसको आप कहते हो उन्नीस सदी का समाज एवं आंदोलन दूसरा है आर्थिक तो उदारवादी नेताओं ने दादा नरोजी और धन की निकासी और तीसरा है राजनीतिक लेकिन उस चरण पर आने से पहले आपको जनजातीय किसान आंदोलन आदि राष्ट्रवादी है क्योंकि ब्रिटिश शासन का आरंभिक प्रतिरोध जनजातीय और किसान आंदोलन के रूप में आया उसमें भारतीय उतने दक्ष नहीं थे जब पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव पड़ा तो फिर भारतीयों का एक वर्ग आया जो पश्चिमी विचारधारा को समझ पाया और पश्चिम विचारधारा को पहले उसने अपने समाज और धर्म के क्षेत्र में सुधार किया ताकि भारत आधुनिक राष्ट्र बन सके और फिर उसने राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की लेकिन दिक्कत यह थी कि शुरू में जो बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी थे 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 ऐसे और थे, और मास थे, अलग थे। और मास अलग के बीच फिर गांधी दोनों के बीच समन्वय लाएंगे और फिर गांधीवादी चरण में जाकर राष्ट्रवाद का व्यापक प्रसार देखते हुए तुम जाओगे लेकिन उसी में तुमको राष्ट्रवाद वाले चरण में एक इंटरेस्टिंग बात यह हो जाएगी कि दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलेगी मतलब राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद दोनों सौतेले भाई के रूप में पैदा हुए स्टेप ब्रदर जस्ट लाइक तो जैसे जैसे राष्ट्रवाद विकसित होती जाएगी उसके साथ संप्रदायवाद विकसित होता जाएगा और राष्ट्रवाद संप्रदायवाद दोनों विकसित होते हुए जाएंगे और फिर एक समय ऐसा आएगा कि स्वतंत्रता भी होगी और विभाजन भी, भी तो मैं उसमें क्या करूंगा डेकेड बाई डेकेड आपको लेता हुआ चलूंगा और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है डायग्राम के बाद अब जैसे राजनीतिक है तो इसको भी मैं चार पांच पार्ट में बांटूंगा डायग्राम के अंदर डायग्राम उसके अंदर डायग्राम ये तो मैंने आपको मेजर डायग्राम दिए ना तो जीएस में तो केवल इससे काम चल जाता है ऑप्शन में वर्टिकल जाना पड़ता है उसमें क्वेश्चन की भी गहराई है बहुत ज्यादा होती है और मतलब बहुत ज्यादा का मतलब है कि उससे ज्यादा जीएस से ज्यादा होती है और इसमें हिस्टोग्राफी का एक्सचेंज चाहिए हिस्टोग्राफी की मैं भी चर्चा थोड़ी करता हूं तो आपको पता चल जाए तो अब राष्ट्रवाद में अचानक से आप चाहोगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या उदारवादी उग्रवादी नहीं डेकेड डेकेड बाय हम देखते जाएंगे आपका साथ याद होता जाएगा मुझे नहीं लगता कि कोई ये कि कोई स्टूडेंट कहे नहीं मुझे याद नहीं हो रहा यह समस्या नहीं आएगी क्योंकि जब हम डेकेड बाय डेकेड बढ़ेंगे तो उसमें प्रत्येक डेकेड में क्या महत्वपूर्ण चेंज या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है उन परिवर्तनों को हम अपने दृष्टि पथ पर लेते हुए चलेंगे जैसे यह डेकेड में क्या परिवर्तन हो रहा है जैसे आप शुरू होगा आपका अगर शुरू होना है तो नाइनटीन सेंचुरी में ही हम जनजाति और किसान आंदोलन से शुरू करेंगे तो जनजाति और किसान आंदोलन से शुरू करेंगे तो उसमें किस प्रकार से परिवर्तन चल रहा है वहां से हम अठारह के महाविद्रोह पर चले आएंगे अठारह का जो महाविद्रोह है उस एरिया को हम कवर करेंगे और उसको कवर करने के बाद उसके सारे एस्पेक्ट को और जितने भी क्वेश्चंस के काम है हम साथ साथ कराते जाएंगे उसके बाद हम जब आधुनिक राष्ट्रवाद पर आएंगे तो समाज और धर्म तो तो फिर उदारवादी चरण कांग्रेस का है तो उदारवादी उग्रवादी पहले से उन्नीस से 1907 तक आएंगे फिर 1907 उन्नीस से उन्नीस तक आएंगे फिर 1914 उन्नीस से उन्नीस तक आएंगे उन्नीस 1919 से उन्नीस सौ उन्तीस तक आएंगे उन्नीस से उन्नीस तक उन्नीस सौ 1935, 1935 से उन्नीस तक और सॉरी उन्नीस से उन्नीस तक 1949, 1945 तक, उन्नीस 1945, से 1947 तक उसमें फिर कैसे संप्रदायवाद की धारा चल रही है और किस प्रकार से राष्ट्रवाद की धारा चल रही है तो कैसे राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद दोनों एक साथ राष्ट्रवाद क्या है संप्रदायवाद क्या एवरीथिंग के लिए? ये सब तो खैर एक मैंने एक सामान्य सी बात आपको बताई हम लोगों को वहीं तक नहीं रुकना है सबसे जो अहम चीज है वो हमें आपको देना है उसके बाद आप आते हैं स्वतंत्रोत्तर भारत पर उसका फिर एक अलग तरीका हो जाता है जो स्वतंत्रोत्तर भारत है उसमें आप देखेंगे इसमें टोटल इतने एस्पेक्ट बन जाते हैं भारत का विभाजन भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे और शरणार्थियों का संकट की राजनीति और विदेश नीति पर प्रभाव भारत की एकता और अखंडता की, की समस्या तथा रियासतों के विलय की चुनौती एक प्रजातांत्रिक संविधान के माध्यम से औपनिवेशिक समाज को राष्ट्र के रूप में संगठित करने की चुनौती तथा तो प्रथम आम चुनाव भारत के विविधता मूलक क्षेत्र को देखते हुए राष्ट्र निर्माण की चुनौती राजभाषा का प्रश्न भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन समान नागरिक संहिता के विषय को टालना के सामंती शोषण दोहरे सात मुद्दे, मुद्दे जब खड़े होंगे तो हो, तब होगा भारत का राष्ट्र निर्माण और उसी में आपको ये समझने का अवसर मिलेगा कि भारत की आजादी से भी बड़ी चुनौती थी भारत का राष्ट्र निर्माण क्योंकि सामान्यतः तो हम लोग राष्ट्र नहीं बन सकते थे हम अगर राष्ट्रवाद के पश्चिमी या राष्ट्र निर्माण के पश्चिमी मॉडल को अगर हम समझने का प्रयास करते वी कैन नॉट बी अ नेशन नेशन हम नहीं बन सकते थे हमने नेशन बनने में अपना, अपना, अपना प्रयोग किया किस प्रकार से प्रयोग करके नेशन बने चलिए पहले तो भारत का विभाजन हुआ विभाजन के बाद दंगे के बाद सबसे पहली चुनौती हमारे सामने हुई कि जितना बड़ा भूभाग हमने पाकिस्तान के रूप में खोया था उससे बड़ा भूभाग हमारी प्रतीक्षा कर रहा था देशी रियासतों के रूप में उन देसी रियासतों के विलय में हमें क्या पापर बेलने पड़े वो पहलू को पहले स्पष्ट करना फिर देसी रियासतों के विलय से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे अब देखो इस बार जीएस में क्या क्वेश्चन पूछा कि देसी रियासतों के विलय में प्रशासनिक आर्थिक देसी रियासतों के विलय में प्रशासनिक आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों पर प्रकाश पहले वही देखो ऑप्शन में पूछा ऑप्शन में उससे इजी क्वेश्चन पूछा कि देसी रियासतों के विलय के कारणों को बता देसी रियासतों के विलय पर प्रकाश डाली और उसमें वल्लभ भाई पटेल की भूमिका पर प्रकाश डाली और इसमें पूछा है कि भारतीय यूनियन में देसी रियासतों के विलय में जो प्रशासनिक चुनौतियां हैं आर्थिक चुनौतियां थी और सांस्कृतिक चुनौतियां थी उस पर प्रकाश डाली तो जीएस का क्वेश्चन एक तरह तो तो से ज्यादा चैलेंजिंग उसमें पूछा है एनीवे anyway, तो देसी रियासतों के विलय भारत का संविधान निर्माण और वहां से जैसे भारत का एक राष्ट्र के रूप में निर्माण में संविधान निर्माण और संविधान निर्माण के बाद तब आप आगे बढ़ते हो तो हमारे यहाँ जो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी चुनौतियां थी विविधता में एकता तो अब एक राजभाषा की समस्या राष्ट्रभाषा की समस्या भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की समस्या फिर आता है कमजोर वर्गों की सुरक्षा की समस्या जिसको कहते हो सामाजिक न्याय जिसमें महिलाओं की सुरक्षा जिसमें जनजातीय एस सी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बैकवर्ड कास्ट मुसलमानों अल्पसंख्यक समूह इनके विषय में जो भारत की सरकार की नीति रही उस समय या संविधान सभा की नीति रही उन नीति की चर्चा करेंगे फिर उसके बाद हम आते हैं तब देश का आर्थिक पुनर्निर्माण जिसको नेहरूवादी आर्थिक मॉडल पंचवर्षीय योजना वगैरह वो सारी योजनाएं वहां पर आपको होगी उसके बाद विदेश नीति भारत उसके पड़ोसी भारत का महाशक्तियों से संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन विदेश नीति ये तमाम चीजें आप उसमें देखो उसमें देखोगे एक चीज और भी आपको दे दिया है पर्यावरण चुनौती और जस्ट मैंने आपको एक सिलेबस का पाठ्यक्रम मैंने बताया कि जो पाठ्यक्रम हमारा है उसको हम इन टोटो नहीं फॉलो कर रहे हैं क्योंकि अगर हम उस तरह से पाठ्यक्रम को फॉलो करेंगे तो तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा तुमको विषय पर पकड़ नहीं हो पाएगी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा क्योंकि जो मैंने आपको बताया जैसे उपनिवेशवादी है तो हम आपसे अगर पूछते हैं कि अच्छा देखो क्या ब्रिटिश ने भारत में भला किया या ब्रिटिश ने भारत का बुरा किया आप एक वन बाय वन मैं आप तुमको हिस्टोग्राफी के मुद्दे को लाता हूं। तो समझ में आए जैसे देखो ये चीज तुमको अलग करेगा इतिहास लेखन इतिहास के अध्ययन में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण विभिन्न दृष्टिकोण डिफरेंट अप्रोचेज अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मैं आपको समझाता हूं दस बीस मिनट में इसे टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री जस्ट वन मिनट आप लोग इसको देखिए जस्ट में वन मिनट आ गया रेडी okay, देखिए एक इतिहास लेखन के पार्ट और थोड़ा सा क्वेश्चन के पार्ट पर हम चर्चा कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं इतिहास लेखन मैं कल मेरा पहला क्लास में इतिहास लेखन ही डिटेल्स में शुरू करूंगा तो फिर आप लोग इसको बखूबी और अच्छे ढंग से समझ पाओगे अभी मैं इतिहास लेखन कवर नहीं कर रहा केवल इतिहास लेखन की चुनौती कैसे होती है और उसे क्वेश्चन का सीधा सरोकार कैसा होता है ये दो चार चीजें मैं यहां पर आपको डिस्कस करना चाहूंगा मैं तो आप लोगों को बल्कि इस चीज में भी ट्रेन करूंगा आप लोगों के बैच में कि कुछ कुछ चीजें मैं आपको ये कष्ट लेने के लिए बोलूंगा कि थोड़ा सा आप लोग कष्ट लीजिए जो इतिहास लेखन संबंधी कुछ हिस्टोरियंस वगैरह के भी जो नाम है वो मैं आपको डलवाऊंगा और कुछ कुछ आप याद रखिएगा कुछ उनको अगर आप कोट करेंगे तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ मिरेकल इन द एग्जामिनेशन हॉल वो आपको एग्जाम हॉल में एक बहुत अच्छी अंक दिलाने वाली चीज होगी जो आपके पूरे आंसर की क्वालिटी को अलग करेगी फिलहाल आपके मन में जिज्ञासा होगी भाई इतिहास लेखन होता क्या है तो जैसे पांच अंधों ने हाथी को टटोला तो हाथी को टटोलकर अलग अलग प्रकार का आकार ग्रहण किया और उन्होंने जब हाथी को टटोला तो हाथी के बारे में अपनी अलग अलग राय जाहिर की तो उनकी जो हाथी के बारे में जो अलग अलग राय है एक तरह से अगर आप देखेंगे तो वही इतिहास लेखन है मतलब जैसे अलग अलग इतिहासकारों ने जब किसी चीज पर न, निगाह डाली तो निगाह डालकर उन्होंने अपना मंतव्य दिया उन मंतव्यों में डिफरेंस कई जगहों पर अब वह डिफरेंस का ज्ञान अगर होता है आपको तो आपको एडिड कॉन्फिडेंस देगा कहोगे कैसे तो जैसे टर्मिनोलॉजी आती है विवेचन कीजिए अब सीधा बच्चे ये बोलते हैं कि शब्द का मतलब हमें आप बताइए कि विवेचन कीजिए का क्या मतलब है इंग्लिश में उसको बोलते हैं टू डिस्कस आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तो टू क्रिटिसाइज या क्रिटिकली एनालाइज। तो जब ये शब्दावली आती है तो बच्चे प्राय पूछते हैं कि सर इन शब्दावलियों का मतलब क्या होता है इन शब्दावलियों का मतलब बताइए मतलब जानने से कुछ नहीं होगा आपको विचार जानना पड़ेगा सामाजिक विज्ञान और नेचुरल साइंस में एक बहुत बड़ा फर्क यह होता है कि नेचुरल साइंस का बिल्कुल ही क्लियर कट फंडा है कारण और परिणाम स्पष्ट होते हैं एक विशिष्ट घटना या विशिष्ट चीज का विशिष्ट कारण है और विशिष्ट कारण का विशिष्ट परिणाम है सामाजिक विज्ञान में किसी चीज का न तो एक कारण है और ना किसी चीज का एक परिणाम है हर चीज का एक से अधिक कारण है और एक से अधिक परिणाम है तो जब आप सोशल साइंस पढ़ते हो तो आपको अपने आप को इस बात के लिए अनुकूलित करना होगा कि आप एक से अधिक विचारों को जानो क्योंकि जब विवेचन कीजिए उसका मतलब होता है कि किसी मुद्दे पर अगर एक से अधिक विचार प्रचलित हैं तो उन एक से अधिक विचारों को अपने संज्ञान में रखते हुए और तब अपना विचार या अपने दृष्टिकोण को प्रकट कीजिए तो अगर आप विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों को अपने संज्ञान में रखकर फिर अपना विचार प्रकट करते हो तो, तो दैट इज कॉल्ड टू तो डिस्कस आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए या समालोचनात्मक परीक्षण करिए कीजिए का मतलब होता है कि आप अगर किसी चीज पर एक से अधिक विचार हैं तो दोनों विचारों को आप संज्ञान में रखकर दोनों पक्षों को तोलते हुए तब अगर आप अगर उस पर निर्णय लेते हो तब वह होता है आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए मैं उदाहरण देकर आपको बताता हूं वही चीज समीक्षा कीजिए आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कीजिए टिप्पणी टिप्पणी में आप यानी कमेंट में आप पक्ष में भी जा सकते हो विपक्ष में भी जा सकते हो व्याख्या कीजिए का मतलब है किसी चीज को कोई जान रहा है लेकिन पूरी तरह नहीं समझ पा रहा है तो उसको उदाहरण देकर विस्तार से उसे आप समझा देते हो तो वह होता है व्याख्या कीजिए परीक्षण कीजिए का मतलब है कोई व्यक्ति किसी चीज को जान रहा है लेकिन बढ़िया से उस चीज को नहीं समझ रहा है तो उसको आप उसके बारे में आप विस्तार से उसको बताते हैं और विस्तार से बताते हुए कुछ ऐसी चीजें भी आप बता जाते हैं जो वो नहीं जानता है तो परीक्षण कीजिए हो जाता है यही कुछ कुछ शब्दावलियां हैं लेकिन वो केवल थियोरी में आपको जानने से याद नहीं रहेगा उसके लिए आपको थोड़ा वहां पर वर्क करना होगा हमारे साथ तब आप बात को समझोगे अब देखो इतिहास लेखन से मतलब है कि एक एक मुद्दा को ही उठाओ जैसे पहले आपने कहा अठारहवीं सदी का इतिहास तो अठारहवीं सदी के इतिहास में पहला पार्ट बनता है मुगल साम्राज्य का विघटन तथा तो क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना इस संबंध में देखो दो तरह के विचार विचार यह है इतिहास लेखन जैसे आप आधुनिक भारत का इतिहास लेखन कहते हो तो आधुनिक भारत के इतिहास लेखन में एक से अधिक स्कूल है एक से अधिक ग्रुप है जो मैं कल आपको बताऊंगा एक कल आते हैं साम्राज्यवादी इतिहास लेखक तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखक चीजों को अपने पक्ष में खींचते हैं उसको कहते हैं ब्रिटिश अपोलोजिस्ट ब्रिटिश अपोलोजिस्ट से मतलब यह हुआ कि जैसे वो जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखक है वह ब्रिटिश की हर पॉलिसी को हर नाजायज पॉलिसी को किसी न किसी रूप में जायज करार देने का प्रयत्न करते हैं। हालांकि वह भी अपने आप में आप कर सकते हो कोई ऐसा नहीं कि मोनो, मोनोलिथिक ग्रुप है कोई एकांत समूह है बल्कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखक में लेखन में भी दो तरह का है एक है जिसको ओल्ड कैम्ब्रिज बोलते हो दूसरे को नव कैम्ब्रिज कहते हो कल मैं बताऊंगा और सबसे वाकिफ कराऊंगा वहीं से कल शुरू करेंगे उसके बाद आता है राष्ट्रवादी इतिहास लेखक जो उनकी प्रतिक्रिया में आएगा तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन राष्ट्रवाद की भावना से भाव विभोर है तो इनका एक अलग दृष्टिकोण है फिर आ गए मार्क्सवादी इतिहास लेखन तो मार्क्सवादी इतिहास लेखक का भी अपना एक अलग दृष्टिकोण है उसके बाद आ गया सवाल अब सवाल कहीं उसी से मिलता जुता है पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर पोस्ट कॉलोनियल थिंकर जिसको ये सब कुछ कुछ ग्रुप है जिनके बारे में मैं आपको हल्की सी झलक दूंगा विशेषकर जो सवाल टर्न है और सवाल टर्न के बाद जो ये सभी आते हैं तो मैं खैर अभी मैं उस उसमें नहीं उलझना चाहूंगा कल मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आज मुझे एक ओवरऑल आपको समझ देनी है इसलिए मैं उतना पर ही रुकता हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप देखो हर मुद्दे पर भी बात है जैसे अब मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ और देशी राज्यों की स्थापना हुई तो उसमें पहले जो ब्रिटिश पक्षधर जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखक थे आप उनको कहोगे तो वैसे लेखकों में अब जैसे एक शाहजादनाथ सरकार है वो तो राष्ट्रवादी परंपरा से ही है लेकिन जो राष्ट्रवादी परंपरा के लेखक है उनके साथ एक दिक्कत यह हो गई कि तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के वो षडयंत्र के शिकार हो गए जैसे अभी आप देखोगे अभी समस्या क्या आती है अभी समस्या आती है कि अधिकांश तुम लोग जो बच्चे सड़क पर का आए आप किसी पब्लिक बहस में या टीवी बहस में अगर इतिहास पर चर्चा सुनते हो तो तुम लोग इस विवाद से वाकिफ हो जैसे वो बोलते हैं कि भाई मुगल विदेशी थे कुछ 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 लोग बोलते हैं कि मुगल विदेशी अब कौन लोग बोलते हैं अब वो मैं नहीं कर सकता लेकिन कुछ लोग ऐसा कहानी करते हैं कि मुगल विदेशी अब देखो समस्या उसमें क्या आई कि जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में आए तो ब्रिटिश ने जो भारत में शासन किया तो ब्रिटिश ने सत्ता मुगलों से छीनी तो चूंकि ब्रिटिश ने मुगलों से सत्ता छीनी तो कही कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी चुनौती का सामना ब्रिटिश को करना पड़ता था वह था मुगल विरासत की चुनौती क्योंकि अकबर ने एक ऐसा और सामान्य हिंदुस्तानियों के मन में बादशाहत का प्रभाव जमा दिया था मुगल बादशाहत का प्रभाव ऐसा था कि जब बहादुर शाह जफर अपने लाल किला में अंतिम क्षणों अंतिम समय में भी बैठा हुआ एक कमजोर बादशाह था जिसको मुगल जब भी चाहते हटा देते लेकिन अठारह के महाविद्रोह से पहले वह मुगल बादशाह को हटाने की हिम्मत नहीं की और अगर ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाई तो इसकी वजह क्या थी कि लोगों के मन में अकबर के द्वारा जो बादशाह का प्रभाव जमाया गया था तो मुगल जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस होते थे उनकी पूरी कोशिश होती थी कि वह मुगल को इंडिया में डीलेटिमाइज करें अवैध बनाए तो उन्होंने उनके पूरे इतिहास लेखन में यही था कि एंसियंट इंडिया बहुत महान रहा मैं एनशियंट इंडिया बढ़िया रहा था मैंने कुछ इस तरह का प्राचीवादियों का सभी का नहीं उपयोगतावादी तो एनशियंट को बहुत गिरा गुजरा मानते थे लेकिन जो प्राचीवादी थे उन्होंने यह कहा कि भाई एनशियंट हिस्ट्री में प्रगति थी लेकिन जब से भारत में मुस्लिमों का शासन हुआ तब तो से अवसान हुआ और फिर हमारे ब्रिटिश के शासन में उत्थान हुए ऐसे आपका इतिहास उनका कहना था कि इतिहास पहले प्राचवादियों का ऐसे गया और फिर ऐसे के बाद ऐसे डीप मारा और फिर हमारे साथ ऐसे उठ रहा है तो हमारे हिस्टोरियंस का एक ग्रुप धोखे से इसी मेथड को फॉलो कर लिया जो मुस्लिम शासन है वो गिरता हुआ है और फिर ब्रिटिश शासन का उठता हुआ उसी में सरजना सरकार थी तो इन लोगों ने क्या किया कि 18वीं सदी के पूर्वार्थ को घोषित कर दिया अंधकार का युग कि अठारहवीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था और छोटे छोटे राज्य थे और जो पलासी का युद्ध हुआ उसको आधुनिक काल का आगमन घोषित कर दिया तो ब्रिटिश की मंशा पूरी हो रही है ना मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं अगर पलासी के व को तुम आधुनिक काल का आगमन घोषित कर दोगे इसका मतलब तुम यह सिद्ध कर रहे हो कि ब्रिटिश का आना भारत में शुभ था और दिखाने के लिए जो मैंने बताया कि आधुनिकता के जो लक्षण मैंने तुमको बताए थे अभी ऊपर ये जो मैंने बताए थे इसी में ऊपर था जैसे मैंने आधुनिकता के जो लक्षण बताए थे उसी लक्षण से जुड़ते हुए आधुनिक युग का आगमन हुआ तो हम लोगों ने कैफियत तलब करनी शुरू कर दी कि भाई आपने हमारे यहां आने के बाद इसमें से क्या क्या बदलाव लाया कि हम आधुनिक युग माने ये तो आपके समाज का बदलाव था हमारे यहां तो आपने लूटा धन की निकासी की बंगाल का दरिद्रीकरण किया तो हमारे को आधुनिक युग क्यों और फिर अठारहवीं सदी में तो आपने जो परिवर्तन किया उस परिवर्तन से अधिक तो आपने निरंतरता बनाए रखी आपने पुराने मॉडल को ही भारत में बनाए रखा तो आपने तो ऐसा कोई परिवर्तन लाया नहीं जिसको हम आधुनिक से जुड़े आप बताइए तो सही आधुनिक क्या है इसमें उन्नीसवीं सदी में परिवर्तन आया ये सही है जब औद्योगिक चरण में आप आए जब आपको भारत को का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में करना था तब आपने भले ही पर उसकी चर्चा हम आगे करेंगे लेकिन अभी तो अठारहवीं सदी में आपने ऐसा कोई मेजर परिवर्तन भी नहीं लाया वही परिवर्तन लाया जो आपके हक हाँ में थोड़ा वो जो अच्छा था नहीं तो परंपरावादी मॉडल को बनाए रखा आपके चिंतक भी प्राच्यवादी ही रहे जो भारतीय अतीत और संस्कृति का ही गुणगान करते रहे कोई बड़े बदलाव तो लाया नहीं और उल्टा आपने हमारा दरिद्रीकरण किया हमारे यहां से धन की निकासी करवाई तो कुछ आधुनिक लायक तो बताइए कुछ तो बात वहां पर ये हो गई अब जो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी आई जैसे देखो लोग बड़ा ही टाइप बोलते रहे थे हैं कि सब मार्क्सवादियों का किया धरा है अरे मार्क्सवादी तो अब चार दशक पुराने हो गए मार्क्सवादी के विचार तो ऐसे भी धजिया उड़ रही है और यही मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस ही उड़ा रहे हैं उसके लिए आपको राजनीतिक नेता को दखल करने की जरूरत नहीं ऑलरेडी उसमें धजियां उड़ रही है उन, उनका जैसे अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी उन्होंने मुगल काल को संकट का काल कहा कल मैं अचानक कल मैं वही संडे में एक बुक शॉप पर था तो मैंने एक बुक देखा द लास्ट लाइट ऑफ दिल्ली करके अभी आई थी द लास्ट लाइट ऑफ दिल्ली और उसका ऑथर कोई आसफातुल्ला बेग थे तो ऑथर तो हमको बहुत पहले वेल नोन नहीं लगे लेकिन मैंने उस बुक को थोड़ा सा एक नजर मारी तो हमें बुक अच्छी लगी और हमने लिया क्योंकि बहादुर शाह जफर मिर्जा गालिब इन सबके दिल्ली के बारे में चर्चा और बड़ा दुख दर्द टाइप का प्रकट किया गया है कि भाई देखो दिल्ली पहले कितनी सुहानी हुआ करती थी कितनी यहाँ पर हिंदू मुसलमानों की मिली जुली गंगा यमुनी संस्कृति यहाँ फलीभूत हो रही थी यहाँ कितनी समृद्धि थी लोग कितने ठाठ से जीवन जी रहे थे अठारहवीं सदी में दिल्ली रो रही है आंखों से दिल्ली के आंसू टपक रहे हैं और बहादुर शाह जफर मिर्जा गालिब वही जो दिल्ली का दर्द है उसको अपने गजल में व्यक्त कर रहे अपने शेर में व्यक्त कर रहे बात तो सही है तो बेसिकली जो अलीगढ़ स्कूल्स हैं अलीगढ़ विद्वान उन्होंने यही कहा कि देखो अठारहवीं छत्तीस संकट का काल है दिल्ली रो रही है दिल्ली एक तरह से डिक्लाइनिंग है मुगल बादशाह अंतिम शाह से गिन रहा है तो क्राइसिस का मोमेंट है तो ये फारसी और उर्दू लिटरेचर यही बोलता है जो फारसी उर्दू लिटरेचर पर हो तो उर्दू और फारसी लिटरेचर दिल्ली पर आंसू बहाता है लेकिन अगर वर्नाक्यूलर लैंग्वेज पर हो गए भाषा और देसी साहित्य का जो नया शोध हुआ है इसमें मुजफ्फर आलम चेतन सिंह कैरन लियोनार्ड पीजे मार्शल संजय सुरमण्यम तो ये सब जो ऑथर हैं इन लोगों ने दूसरा पर्सपेक्टिव दिया उन्होंने कहा कि देखिए दिल्ली आपका आप, आपका ध्यान केवल दिल्ली पर केंद्रित है इसलिए आप कह रहे हो आप चलिए बंगाल चलिए फारूखाबाद चलिए अवध चलिए देखिए क्षेत्रीय स्तर पर कितनी समृद्धि है यूरोप से बड़ी मात्रा में सोने चांदी आ रही है नगदी फसलों की खेती हो रही है क्षेत्रीय स्तर पर समृद्धि है और क्षेत्रीय स्तर पर समृद्धि का लाभ उठाकर जो शासक जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं जो सुबेदार हैं जो क्षेत्रीय पैटिया स्वतंत्र अपने को कर रहे हैं तो मुगल साम्राज्य विघटित हो रहा है क्षेत्रीय स्तर की समृद्धि के कारण तो आपका ध्यान दिल्ली है तो आप दिल्ली के चश्मे से ही पूरे हिंदुस्तान का मूल्यांकन कर रहे हो जो उचित नहीं का दूसरा लाइन है ओके तो कहोगे हम क्या करें आप देखिए आपको क्या करना आपके देखते चलिए अठारहवीं सदी के संकट पर प्रकाश डाली है अभी चूंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है मैंने सिलेबस कवर नहीं किया कुछ बताया नहीं तो अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूं आप एक्स्ट्रा लोड तो पैदा नहीं करेगा ना मतलब आर यू नॉट गोइंग टू वी क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन पर भी चर्चा कर देता हूं कुछ क्वेश्चन के पहले आपको पता तो चले कि रिक्वायर्ड क्या है जिस जिस का निशाना बनाना है जिस शेर का ऊपर उस शेर का वो पता तो चले कि कितना भयानक है या इजी है तो वो पता चले क्योंकि ये सब कुछ समझने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा उतना टाइम पेशेंस नहीं रहता इसलिए पहले क्लास में मैं आपको थोड़ा सा उससे अवगत करा देता हूं कि हम लोग को करना क्या है तो इसलिए अगर नहीं समझ में आए तो चिंता मत करिएगा आप एक क्लास में अगर समझ में आ जाता तो मैं आपकी फी कम से कम पांच लाख लेता क्या तो जाहिर है कि ऐसी कोई जड़ी मेरे पास नहीं है कि मैं एक क्लास में आपको समझा सकूं इसलिए आपको बस उधर केवल ध्यान देना है कि कैसे होता है ना अठारहवीं सदी का संग्रह प्रकाश डालिए यहां पर है अठारहवीं सदी एक मिनट क्या आप क्या आप अठारहवीं सदी को संकट का काल मानते हैं संकट का काल मानते हैं अपने मत के पक्ष में अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए अपने मत के पक्ष में इत, उत्तर दीजिए अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन का फर्क देखिए पहला क्वेश्चन है इसे ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन और जो दूसरा क्वेश्चन है वह आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन मुद्दा वो नहीं है मुद्दा ये है कि पहले क्वेश्चन में उसने जैसे पहला क्वेश्चन तुमने देखा उस प्रश्न ने संकेत कर दिया कि हमसे एग्री कर जाओ और का संकट का मतलब है, तुम पहला वाला विचार दिखा दो कि सत्रहवीं सदी में मुगल साम्राज्य किस प्रकार संकटग्रस्त था इसका ध्यान मुगल साम्राज्य पर है तो मुगल साम्राज्य के बारे में थोड़ा कृषि संकट थोड़ा जागीरदारी संकट आदि के बारे में दे दो दूसरा वाला जो प्रश्न पूछता है वो दूसरा वाला विचार है लेटेस्ट विचार है जो मानता है कि भले ही मुगल साम्राज्य संकटग्रस्त था लेकिन भारत संकटग्रस्त नहीं था भारत में क्षेत्रीय स्तर पर समृद्धि की स्थिति थी तो ये क्वेश्चन संकेत कर रहा है जैसे क्वेश्चन है प्रिलिम्स का क्वेश्चन या, या मेंस का क्वेश्चन हो और कान लगा के सुनोगे तो अंदर से एक आवाज निकलती है कि हमें इस रास्ते पर ले जब आपको अनुभव हो जाएगा तो आप उसके अंदर की आवाज को सुन सकोगे कि आप इसको किस रास्ते पर ले जाना चाहते हो इस प्रश्न को अगर देखोगे तो इस प्रश्न में जो दूसरा वाला प्रश्न है वो दूसरे वाले प्रश्न का संकेत है कि आप इसका खंडन करिए और मुजफ्फर आलम और चेतन सिंह वाले मत को ले जाइए इतिहास लेखन का यह भाग आपको पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन नंबर टू को आप सॉल्व कर पाओ अब यही पर अगर दे देते विवेचन कीजिए तो आपका काम और भी बढ़ जाता अठावी सदी के संकट का विवेचन कीजिए तब आपका काम हो जाता है कि इसमें अलीगढ़ वाले क्या बोलते हैं पीजे मार्शल संजय सुब्रमण्यम क्या बोलते हैं सरजननाथ सरकार क्या बोलते हैं सरजननाथ सरकार अंधकार का युग कहते हैं अब... अलीगढ़ स्कॉलर संकट का काल मानते हैं जबकि दूसरे का स्कॉलर हैं, वो हम मानते हैं कि नहीं ये क्षेत्रीय स्तर पर समृद्धि का काल था यह भारत के लिए संकट का काल नहीं था तो तीनों विचार पर पर ये इतिहास लेखन की महिमा है अब देखिए अब इसके बाद आते हो यूरोपीय कंपनियां पर तो यूरोपीय कंपनियां पर एक प्रश्न उठता है एक ब्रिटिश विद्वान है सर रैमजे उन्होंने मुद्दा उठाया है उन्होंने कहा कि ब्रिटिश ने बेखबरी के दौर में ही भारत को जीत लिया ब्रिटिश भारत को नहीं जीतना चाहते थे पता नहीं भारत को कैसे जीत लिया गया हमें भी पता नहीं है भारत को उन्होंने धोखे से जीत लिया भारत को जीतने की कोई सम्यक योजना उनके पास नहीं थी दूसरी तरफ कुछ ऐसे अति राष्ट्रवादियों कहते हैं अरे ब्रिटिश ने तो भारत जीतने की योजना तभी बना ली थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था और अस्सी अंग्रेज पंद्रह में जब लंदन में एकत्रित एक हुए थे एक नई कंपनी बनाने के लिए उसी दिन ब्रिटिश ने तय कर लिया था कि हमें भारत को जीतना अब हमारा वहां पर जो स्टैंड है जो जो नवीन दृष्टिकोण है वह है कि आरंभ में ब्रिटिश को भारत जीतने की योजना नहीं थी लेकिन भारत में दो कारणों से उन्होंने यहां पर विजय की योजना बनाई एक तो उन्हें उनकी जो एक तो राजनीतिक शक्ति का जब मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ उससे जो राजनीतिक शून्य की स्थिति आई उसको उन्होंने भरने का प्रयत्न किया और सबसे बढ़कर वो अधिक से अधिक व्यापारिक लाभ प्राप्त करने के लिए और अपने प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटाकर अधिक से अधिक व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के लिए उन्होंने व्यापार के नीति से आगे बढ़कर विजय की नीति अपनाई और फिर पूरी योजना बनाकर भारत को जीता तो इस तरह का विचार है अब डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन क्या होंगे क्या आप इस कथन से सहमत हैं इस कथन से सहमत हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया कंपनी 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 का भारत में आगमन भारत में आगमन आगमन व्यापारिक एवं राजनीतिक व्यापारिक एवं राजनीतिक राजनीतिक व्यापारिक एवं राजनीतिक दोनों एजेंडे से दोनों एजेंडे से प्रेरित था प्रेरित अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर टू ब्रिटिश ने बेखबरी के दौर में बेखबरी के दौर में भारत को जीता बेखबरी के दौर में भारत को जीत लिया इस कथन पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन का अंतर आपको पता हो रहा है दोनों का अंतर समझ रहे हो जो पहला देखो हम आपसे क्वेश्चन का उत्तर नहीं पूछ रहे थोड़ा सा आपको हल्का सा रेस्पॉन्स चाह रहे हैं कि आप इन दोनों के फर्क को समझो जैसे पहला वाला प्रश्न है पहला वाला प्रश्न खुद तुमको कहता है कि बाबू आप इसका खंडन करिए ये आपको कह रहा है कि ब्रिटिश आए थे दो झंडे एक साथ लेके राजनीतिक विजय और व्यापारिक ये मुनासिब संभव ही नहीं था यहां पर खंडन यह करना होगा कि ब्रिटिश कंपनी का जिस समय भारत में आगमन हुआ था उस समय ब्रिटिश कंपनी भारत के विजय में के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और भारत के विजय के विषय में न सोचे जाने के कारण यह था कि भारत में एक बड़ा ही संगठित मुगल साम्राज्य विद्यमान था और जब तक इस तरह का पावरफुल और संगठित मुगल साम्राज्य हो तब तक ब्रिटिश कंपनी भारत की विजय कर कैसे सकती थी ऐसा तो एजेंडा उसका नहीं था तो यहां पर इसके बाले में इसका खंडन करना पड़ेगा कि, 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 कर कि समालोचना तो टिप्पणी कीजिए तो आपको यहां पर स्पष्ट करना होगा यह ठीक है कि आरंभ में उनको भारत विजय की योजना नहीं थी लेकिन आगे चलकर जब परिस्थितियां परिवर्तित हुई जब मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ या मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ और नई राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई और जब ब्रिटिश कंपनी को व्यापारिक लाभ के लिए राजनीतिक विजय आवश्यक हो गया तो उसने व्यापारिक और अपने आर्थिक लाभ के लिए क्रमबद्ध रूप से भारत को जीता है तो चीज ये देखो एक है ये तो ग्लास खाली है लेकिन सब सोचो आधा ग्लास पानी तो कभी दिखाना होगा भाई कुछ भी कर लीजिए इसमें आधा ग्लास अभी भी पानी और कभी दिखाना होगा चाहे हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले पानी तो आधा गिलास ही है ना यही है सोशल साइंस पहले अपने दृष्टिकोण को बदलो कि सोशल साइंस पढ़ने का नजरिया अलग ओके अब देखो तीसरा अलासी का युद्ध पलासी का युद्ध अब इसमें देखो इतिहास लेखन की चुनौती इसमें क्या है पलासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी के की भारत विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया उदाहरण तो अस्पष्ट कीजिए स्पष्ट पलासी के युद्ध में ने भारत को दास्ता की बेरी में दास्ता की बेरी में जकर लिया इस कथन इस कथन पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी कीजिए। इन दोनों प्रश्न में फर्क है कि नहीं इस प्रश्न को जरा देखिए तो दोनों में फर्क नजर आ रहा है पहले में क्या करना है दूसरे में क्या करना है अंतर मैं समझ रहा हूं मैं अभी तुमसे क्वेश्चन कोई शास्त्रार्थ नहीं कर रहा क्योंकि तो मैं समझ रहा कि अभी तो आपका ये तो मैं ये बता रहा ये सब दुख तब होता है कि जब बच्चे दो दो तीन तीन साल से इस बाजार में इतिहास की सेवा कर रहे होते हैं और तो अभी जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अंतर नहीं समझ पाते हैं हर नुक्कड़ पर पूछते पाए जाते हैं कि क्वेश्चन का उत्तर कैसे करें हमको उत्तर लिखने में दिक्कत होती है अगर आपको उत्तर लिखने में दिक्कत है इसका मतलब आप एडमिट करिए कि आप पढ़े हुए नहीं अगर आपकी पढ़ाई सही तरीके से होगी तो उत्तर लिखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए हाँ एक पक्ष है अभिव्यक्ति वाला अभिव्यक्ति का मतलब है कि आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आप जिस जो आप, आपको आप तो अभिव्यक्त कर सकते देखो तो पहला वाला प्रश्न का संकेत है कि के युद्ध से फायदा ही फायदा दिखा दो नुकसान वाले मैंने वहां पर बताओ कि आधा गिलास पानी और दूसरा वाला क्वेश्चन कहोगे अरे आधा गिलास ही तो पानी पलासी का बैटल से फायदा है इनका इतना फायदा है जैसे अभी कह रहा है कि दास्ता की बेरिया से जकर डाल तो यहां पर क्वेश्चन का इशारा है कि कहो यार दास्ता की बेरिया से पलासी के बैटल ने नहीं जकड़ा भारतीय नेताओं की भारतीय जो शासक थे उनकी मूर्ता ने जकड़ा ठीक है ब्रिटिश पलासी का युद्ध एक तो कॉर्नर में जीत गए नवाब के साथ धोखाधड़ी से जीत गए वो एक खुला सैनिक संघर्ष नहीं था अगर पलासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश एक भी बैटल हार गए होते तो सारे लाभों से वंचित हो जाते जो पलासी के बैटल नहीं मिला और भारतीय शासकों को बहुत अवसर मिले अपने आप को प्रूव करने का ब्रिटिश उधर पलासी का युद्ध जीतने के बाद बंगाल के संसाधनों का दोहन करते रहे और सात वर्षों के बाद फिर बक्सर की युद्ध जीतकर तब उन्होंने पलासी की विजय पर मुहर लगाई अगर एक भी युद्ध ब्रिटिश हार गए होते चाहे वो मराठों के साथ हार गए होते या हैदर अली टिपू सुल्तान के साथ हार गए होते कोई भी एक युद्ध अगर ब्रिटिश हार गए होते तो वो उन लाभों से वंचित हो जाते जो उन्होंने के युद्ध में प्राप्त किया था इसलिए यह कहना इसमें, इसमें स्टैंड लेना होगा कि इसलिए यह कहना युद के युद्ध के प्रभाव को ज्यादा करके आंकना है कि उसने भारत को दास्ता की बेड़ी में जकड़ लिया पहला वाला क्वेश्चन बता रहा है कि प्लास्टिक युद्ध का फायदा बताओ लाभ बताओ तो प्लास्टिक युद्ध से ब्रिटिश को संसाधन प्राप्त हुआ जो बंगाल के व्यापार में निवेशित कर सके प्लास्टिक युद्ध से जो उनको संसाधन मिले उसके सहारे उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत की और बक्सर का युद्ध जीता और बक्सर के युद्ध जीतने के बाद बंगाल की दीवानी उन्हें हाथ लग गई उसके बाद उन्होंने भारत में कंपनी के निवेश की समस्या का हल किया कंपनी के निवेश की, की समस्या का उन्होंने हल किया और निवेश की समस्या का यहां इसमें अगर इन्वॉल्व आप रहेंगे तो ठीक रहेगा इसमें अगर मेंटली आप इन्वॉल्व होंगे तो ठीक रहेगा क्योंकि तो पहले आप लोगों को जब जिस समय आते हो तो आप लोगों का पहला सवाल होता है कैसे उत्तर लिखे सर अंक कैसे प्राप्त किया जाए पहली बार में कैसे सफल हुआ जाए जैसे लगता है मेरे पास कोई जादुई छड़ी हो यही जादुई छड़ी यहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा अब उसके लिए अपने दिमाग में रखो कैसे पहुंचोगे साथ लेबर करने के लिए तैयार हो कबीर ये घर राम का खाला का घर ना ही शीश उतारे भूई धरे सो पैठे घर माही मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत खालिस मेहनत और सही तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी सफल होने के लिए तो दोनों का जो फर्क है इसी ये पूरी हिस्ट्री में पूरे सोशल साइंस में नॉट इन हिस्ट्री पूरे सोशल साइंस में यही सूक्ष्म अंतर है अब जैसे देखो मैं बताता हूं कि इसी साल एक क्वेश्चन पूछा था कि अंग्रेजी ये शॉर्ट नोट में पूछा था अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा के अनअपेक्षित अंग्रेजी शिक्षा के अन परिणाम सामने आए। अंग्रेजी शिक्षा के अन परिणाम सामने आए की पढ़ी कीजिए। वैसे समालोचनात्मक जो कि शॉर्ट नोट पे है शॉर्ट नोट में वो एक ही बार कॉमन वो समालोचनात्मक या क्रिटिकल एनालाइज डाल देते हैं इस क्वेश्चन में समालोचनात्मक का स्कोप है नहीं इसलिए मैंने इस शब्द को यहां पर प्रेफर किया टिप्पणी की इस पर आप नजर डालें क्या लगता है इसमें ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा इस बार ही पूछा था अंग्रेजी शिक्षा ने अन अपेक्षित परिणाम सामने आए और अंग्रेजी शिक्षा से जो अपेक्षा नहीं, नहीं की गई थी वो परिणाम सामने आए किधर इस क्वेश्चन का इशारा किधर रहा क्या मैकाले शिक्षा पद्धति तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति यह पूछ रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा का वह परिणाम सामने आया जो ब्रिटिश ने नहीं सोचा था आपको एक लग रहा है ना आपको ये लग रहा है राष्ट्रवाद हाँ, राष्ट्रवादी भावना मैंने कहने का अर्थ है राष्ट्रवाद वाला आपका ध्यान जा रहा है पूरे बाजार का ध्यान केवल राष्ट्रवाद पर गया हर जगह देखोगे बच्चे को पढ़ाते हुए हर जगह जाएगा राष्ट्रवाद देखो भारत में राष्ट्रवाद अंग्रेजी शिक्षा का परिणाम बिल्कुल सही है राष्ट्रवाद सबसे पहला परिणाम है इसमें डरने की जरूरत नहीं लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे स्टूडेंट को केवल यहीं तक नहीं रुकना चाहिए राष्ट्रवाद तक अन परिणाम का मतलब हुआ कि जो सोचा नहीं गया था तो क्या लॉर्ड मैकाले जिस समय अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर रहा था तो उसका जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी था विप्रवेशन का सिद्धांत वो कहता था कि पहले मुट्ठी भर भारतीय अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करेंगे और फिर भारतीय भाषाओं तक वह जनसामान्य तक पहुंचाएंगे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन इससे ज्ञान विज्ञान की शिक्षा सामान्य लोगों तक पहुंचेगी लेकिन मैकाले का यह जो कहना था यह बिल्कुल इसका अनपेक्षित परिणाम आया कि अंग्रेजी भाषी भारतीयों ने जनसामान्य से संपर्क स्थापित नहीं किया और मैकाले शिक्षा पद्धति ने यहाँ के देशी शिक्षा को पहले ही निग्लेक्ट कर दिया था देशी शिक्षा को अवदान मिलना बंद हो गया था इस कारण से भारत में जो भारत का जो तुम कहोगे जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम था जो लोक शिक्षा व्यवस्था थी वह ध्वस्त हो गई और भारत का परिणाम था भारत में निरक्षरता की बढ़ती हुई संख्या आजादी के समय भारत की साक्षरता दर मात्र सोलह प्रतिशत थी इसे यह उम्मीद की गई थी कि भारत में ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को बल मिलेगा लेकिन नहीं यहां पर साहित्य और दर्शन की शिक्षा दी गई आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को भारतीयों तक नहीं पहुंचाया गया अनपेक्षित परिणाम का मतलब यह हुआ कि इससे केवल राष्ट्रवाद की राष्ट्रवाद तो अनपेक्षित था ही जो नहीं पैदा होना चाहिए वह पैदा हो गया लेकिन जो सोचा गया था वो नहीं हुआ तो हम अगर रहते तो हम तीन पॉइंट वहां लिखते लोग उसमें एक पॉइंट लिख कर आए और दूसरे पॉइंट पर निगाह ही नहीं गई और निगाह नहीं जाने का कारण है आप में क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलप नहीं होना अब आपको तय करना है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहेंगे पुरानी वाली डल व्यवस्था या नई वाली स्मार्ट क्रिटिकल थिंकिंग तो आपको इस पैटर्न पर हमारे पास समझ चलना पड़ेगा पीछे का जो आप अपना तरीका है उसको आप त्याग दीजिए उसे आपको आज की जरूरत पूरी नहीं होगी जो विश्वविद्यालय पद्धति उसको छोड़ना पड़ेगा हम इसको नए सिरे से अब आप कहेंगे भाई मैं कौन सी पुस्तक पढ़ूँ तो मैं पुस्तक के बारे में अभी आपको क्या बताऊं आप लोग अभी पुस्तक पढ़ने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं हो पाए हैं क्योंकि पुस्तक पढ़ने के लिए भी कुछ नॉलेज चाहिए होता है और अभी आप लोग बहुत फाउंडेशनल पर हो जैसे देखो मैं अच्छी अच्छी पुस्तकें चूंकि बाहर वाले बच्चों तक भी पहुंचना है इसलिए मैं बता दूं जैसे अब अगर मॉडर्न हिस्ट्री में कोई बच्चा कहे कि मैं एक पुस्तक पढ़ना चाहूंगा तो मैं उसे कहूँगा वह शेखर बंदोपाध्याय का पलासी से विभाजन तक पर, लेकिन पलासी से विभाजन तक कोई बच्चा पढ़ के उसके साथ जस्टिस प्रॉपर नहीं कर पाएगा इतना कंडेंस्ड आइडियाज है उसमें इतना जटिल आइडियाज दिया हुआ है बहुत स्टैंडर्ड पुस्तक है वेरी स्टैंडर्ड पुस्तक लेकिन उसमें आइडियाज बहुत ही कंडेंस्ड है दूसरा विपिन चंद्रा की है परंतु विपिन चंद्रा पूरे भाग को कवर नहीं करता है भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो फ्रीडम स्ट्रगल है वह उनका केवल स्वतंत्रता आंदोलन जनजातीय किसान से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी तक वो भी आपस में कनेक्टेड नहीं है पुस्तक पढ़ने का लाभ हमेशा मिलेगा लेकिन हाँ कंपल्सरीली हमसे कोई बच्चा पूछे तो कक्षा आठवीं एनसीईआरटी और बारहवीं की एनसीआरटी बारहवीं की एनसीआरटी जो आपकी है मॉडर्न इंडिया का उसमें उन्होंने पांच ही चैप्टर्स रखे हुए हैं इन सभी पर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड चैप्टर है जब वह चैप्टर आपको आए तब उस चैप्टर को जरूर पढ़ना पड़ेगा जैसे अठारह सत्तावन के महाविद्रोह पर चैप्टर है जैसे गांधी पर चैप्टर है भारत के विभाजन पर चैप्टर है उसके बाद एक तो मॉडर्न टाउन्स पर भी एक चैप्टर है आप बंदोबस्त से लेकर जनजातीय और किसान वगैरह पर भी एक चैप्टर है तो इस प्रकार से उसमें पांच ही चैप्टर है लेकिन पांच के पांच स्वतंत्रोत्तर भारत चैप्टर है तो अच्छा चैप्टर है वो तो उन्हीं चैप्टर्स में से आपको कक्षा बारहवीं के एनसीआरटी की और कक्षा आठवीं के एनसीआरटी ये दो एनसीआरटी पुस्तक मेरी तरफ से रिकमेंडेड है बाकी मैं आपको तीन पुस्तकों के बारे में सूचना दे देता हूं एक शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक है पलासी से विभाजन तक एक विपिन चंद्रा की पुस्तक है और लेकिन अगर एक पुस्तक है स्टैंडर्ड तो नहीं है बहुत वो एक ग्रोबर और यशपाल की पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास वो पूरे सिलेबस को कवर करता है हालांकि बड़ी सिंपल है उलझा हुआ है तो उसमें मुझे लगता है अगर घर में ये, ये सब पुस्तक को परचेज करके आप जरूर रख लीजिए शेखर पंत उपाध्याय का विपिन चंद्रा का भारत का स्वतंत्रता संग्राम और तीसरा ग्रोबर और यशपाल की पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास इसको आप रख ले और बाकी जितने भी पुस्तक हैं बस यही पुस्तक आपको घर में रखना है बाकी जो अगर आप रखना चाहें लेकिन पढ़िए कंपल्सरीली आप लोग कक्षा आठवीं और बारहवीं और मेरा बुकलेट और मेरा क्लास क्योंकि मैं क्लास में जितना भी चैप्टर पढ़ूंगा आपको पढ़ाऊंगा वो सारे चैप्टर मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा क्लास में ही तो मेरी जो कॉपी कक्षा में आपकी बनेगी वो अपने आप में आपको कंप्लीट नोट होगा उसको, उस पर आपको बैंक करना है और उसके अलावा मेरा बुकलेट पढ़ना है इसके अलावा मुझे लग, नहीं लगता कि शेखर बंद उपाध्याय वगैरह पढ़ के आप जस्टिस कर पाओ अगर सम टोटल आप कहो तो मेरा क्लास नोट्स और मेरा बुकलेट किसका कि कौन स्पेक्ट्रम तुम लोगों को बता दिया कहां से सुना है स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम मेंस के लिए तो है ही नहीं वो तो प्लेन्स वगैरह के लिए एक्स्ट्रा डेटा जिसको लेना है स्पेक्ट्रम से वो भी क्लास करने के बाद अभी स्पेक्ट्रम से डेटा लोगे तो नहीं उस उसमें ये होगा स्पेक्ट्रम कोई मेंस के लिए पुस्तक थोड़ा है मेंस का तो उन्होंने क्वेश्चन देखा नहीं है। और तुम लोग अभी क्वेश्चन मैं तीन चार क्वेश्चन डिस्कस करके देख लिया तुम लोग जितना ब्लैंक फेस से मेरी तरफ देख रहे थे कि मुझे लगा कि अभी ये कर, ये प्रयास करना भी व्यर्थ है तुमको यह समझने के लिए कि तुमको क्या पढ़ना चाहिए इसके लिए भी कुछ समझने की जरूरत है हमारे लिए देखो सबसे बड़ी विडंबना क्या है जब मार्केट में अगर बच्चे समझ जाएं कि उनको यूपीएससी में क्या रिक्वायर्ड है तो लेकिन वो हम अगर उनको बताने की कोशिश करते हैं तो पहले उनको एक समझाने वाला चाहिए कि हम क्या बताना चाहते हैं अब वो समझाने वाले बीच में मैं कहां से लाऊं ये मेरे लिए समस्या है मेरे क्योंकि देखो बिल्कुल ही एकदम लॉ यहां यहां यहा, बिल्कुल ही आपका इस रेशियो में जितना ही आप मेहनत को बढ़ा देंगे उतनी ही रेशियो में आपको सफलता की संभावना बढ़ जाएगी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं अगर दूसरा कोई रास्ता है तो आप लोगों को स्वागत है आप लोग जाके अपना रास्ता आज मान लीजिए पहले कोई भी रास्ता अगर ऐसा हो आप बोल रहे हो स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम में इतने सारे तथ्य हैं मेरा मेरी पूरी कोशिश है कि आपका तथ्य कम करूं और आपकी कोशिश है तथ्य को कैसे बढ़ाएं बाजार की विडंबना यह है कि लोग इतना पढ़ना चाहते हैं कि पढ़ ही नहीं पाते इतना याद रखना चाहते हैं कि कुछ भी याद नहीं रख पाते इतना लिखना चाहते हैं कि लिख ही नहीं पाते अगर आप इनसे उभरना चाहते हैं तो मैं जैसे कहता हूं वैसे करिए और मैं आज पहले क्लास में लाउड एंड क्लियर कहता हूं किसी नुक्कड़ पर किसी से कोई सुझाव लेने की जरूरत नहीं है किसी से कोई गाइडलाइन लेने की जरूरत नहीं है और कोई दूसरा से गाइडलाइन लेकर आता है तो फिर हमसे गाइडलाइन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरा जो गाइडलाइन है वो किसी के गाइडलाइन से मैच नहीं करेगा सीधी सी बात। फिलिम्स के लिए पहले एक बार तो इसको कवर करिएगा तो फिल्म का देखो अगर फिल्म की एक सच्चाई जानना चाहते हो तो बताता हूं फिल्म का जो क्वेश्चन तुमको सॉल्व होने वाला होगा ये इससे हो जाएगा इसके अलावा ना तो पढ़ने से होगा और ना बिना पढ़े ये हमारे तुम्हारे बीच एकांत की बात है अभी पब्लिक में है तो एकांत तो रहा नहीं लेकिन फिर भी हाथ पाव मारना आपका दायित्व तो है इसलिए आप क्लास फिनिश होने के बाद क्योंकि मैं मेंस की कक्षा कर करवा रहा हूं तो क्लास फिनिश होने के बाद मैं आपको बता दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री में आप कोई सोर्स से थोड़ा फैक्ट्स बढ़ा लेना हालांकि फायदा आपको बहुत नहीं हो होगा हो तो अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने दो के लिए गिल्ट से उबरने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना जरूरी सच्चाई यह है कि जो सॉल्व होगा वो सॉल्व हो जाएगा और जो नहीं सॉल्व होगा वैसे भी नहीं सॉल्व होगा और दूसरी और भी सच्चाई जानिए आप पढ़ते रह जाएं। जब तक ये फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा क्लास में तब तक फिर वो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जिसकी बात कर कॉन्सेप्चुअल से फैक्चुअल कर सकते तो से कर सकती। और फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी में होता नहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग उसमें होती अगर ठीक से अंडरस्टैंडिंग लगाओगे और जो नितान फैक्चुअल होगा जो जानबूझ कर ऐसा दिया जाता है कि जिसको आप सॉल्व ना कर सके तो उसको आप फिर लाख कोशिश करोगे नहीं सॉल्व कर पाओ है देखो मैंने कर, पिछले साल चेंज किया इतने बुक्स को चेंज किया कि बुक में कोई नई चीज मिली तो मैंने मल्टीपुल च्वाइस बना के डाल दिया उसको अपने ऐप पर जो बच्चों तक पहुंच जाए तो हमने ऐसे डेढ़ सौ क्वेश्चन अनुमान किए कि कहीं एक को दुक्का तुक्का लग जाए एक भी तुक्का नहीं लगा समझ रहे हो तो ना और लगता ही नहीं जो आप पीटी क्या है आप एक नॉलेज गेन करके फिर मस्त रहिए आप अगर टारगेट पीटी में कहेंगे भाई ये सब पढ़ के जाएंगे इससे हमारा क्वेश्चन मिला इम्पॉसिबल है वो हो ही नहीं सकता तो हमें तो प्रियम्स का बहुत समय से एक्सपीरियंस है मैं तो ऑप्शनल में पढ़ाता रहा हूं वर्षों तक बच्चों को तो अब देखो एक क्वेश्चन एक टॉपिक में देखो सब साची भट्टाचार्य सब साची भट्टाचार्य की बुक थी एनबीटी से निकली हुई थी अच्छा गांधी के ऊपर गांधी का जो जेल लाइफ है उसके ऊपर पिछले साल सब साची भट्टाचार्य का डेथ हुआ था और पिछले साल ही सब साची भट्टाचार्य की बुक फिर रिप्रिंट हुई वो रिप्रिंट बुक मेरे हाथ में आई थी मैंने देखा था मैंने ही अनुमान नहीं किया इस तरह से प्रिजनर्स प्रिजनर्स सॉन्ग उठा के सब साची भट्टाचे उन्होंने ही लिखा हुआ था इस पर उनका पिता साहब डेथ हुआ था तो श्रद्धांजलि में क्वेश्चन पूछती है इतना क्लोज रहता है उनका तू डाल डाल तो मैं पात पा इसलिए जो फिल्म में जो मंसूबा बांधे रहते हैं बच्चे जीएस के बच्चे तो नॉन हिस्ट्री के बच्चे को तो, तो बड़ी मुश्किल है हिस्ट्री का क्वेश्चन करना वहीं तो आपका बेनिफिट है आप आप वहां पर थोड़ा एडवांटेजियस पोजिशन में हो लाभप्रद स्थिति में क्योंकि बाकी जो जीएस के पार्ट होते हैं उसमें लगभग कोई विशेष अंतर नहीं रहता है उसमें आप भी कर लोगे पॉलिटी वाले भी कर लेंगे ज्योग्राफी वालों का भी फिजिकल ज्योग्राफी से तो होता नहीं तो इकोनॉमिक जियोग्रफी करेंट ज्योग्राफी से होता है इकोलॉजी इन्वायरमेंट से होता है या बाकी तो उसमें सभी लोग उसी तरह हो जाते हैं इकोनॉमिक वगैरह किसी का ऑप्शनल होता ही नहीं है लेकिन जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछते हैं और इंडियन सोसाइटी का तो इंडियन सोसाइटी का जो क्वेश्चन होता है वो भी बड़ा स्पेसिफाइड क्वेश्चन होता है वो भी पूछते हैं कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन फिर भी चलो उसमें रास्ता निकल जाता है हिस्ट्री वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं कई बार खासकर फिल्म्स में तो उसमें तो मेंस वाला बच्चा जो जिसका ऑप्शनल है वो भी हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन नहीं कर सकता उसको आप लोगों को चार पांच क्वेश्चन आपकी परिधि से बाहर रहेंगे बाईस क्वेश्चन पूछते हैं और थोड़ा सा आपको लेकिन पढ़ना पड़ेगा पीटी के लिए हल्का मैं बता दूंगा हल्का सा सप्लीमेंट कर लेना सेंस ऑफ के लिए नहीं तो फिर आपको लगेगा अगर मैं पढ़ता तो हो जाता या हम हम वो क्वेश्चन में कर लिया होता ऐसी फीलिंग आएगी जब करने के बाद जब नहीं करोगे तो फिर एक मन में एक आत्मज्ञान मिलेगा कि नहीं ये सब माया क्योंकि तुरंत का पढ़ा हुआ पिलिंस में काम नहीं आता है, में है कि आपके एक नॉलेज इसलिए मेंस का प्रिपरेशन करने के बाद ही फिर फिलिम्स फिलिम्स और मेंस दोनों को हमारे विचार से अलग फिलिम्स तो पढ़ने का मतलब ही नहीं कोई तो बच्चा अगर अभी फॉर्म भरा है मेंस नहीं किया है मैं दे लेता हूं तो थोड़ा कठोर है मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन सच्चाई यह है कि अगर रिजल्ट पहले हमसे लेना चाहे तो हम दे सकते हैं क्योंकि <laughs> आपका अगर मेंस का प्रिपरेशन नहीं हुआ, हुआ हुआ है तो फिर फिल्म में आपकी बात नहीं दूसरी बात है अगर आपका ऑप्शनल की तैयारी नहीं हुआ हुआ है तो अगर आप दे रहे हैं तो तो सही नहीं है क्योंकि आप देंगे तो आपका चांस वैसे जाएगा कुछ समय तक के लिए आपको हो सकता है सेटिस्फैक्शन मिले बाजार में थोड़ी दिनों तक आपकी धाक भी जमी रहेगी अमुक जी ने फिलिम्स किया हुआ है दो तो चार चेले भी आपके आगे पीछे घूमने लगेंगे अगले वर्ष ये सब सुख तो मिलेगा लेकिन मुख्य परीक्षा में सफल होने का सुख नहीं मिलेगा क्योंकि उसके लिए आपको फिर मेंस का प्रिपेशन चाहिए होगा और वो ऑप्शनल पेपर तैयार पहले होना चाहिए क्योंकि तीन महीने में केवल आप टेस्ट सीरीज लिखोगे जितना टेस्ट दोगे उतना फायदा वो तीन महीने हम केवल रखते हैं रिवाइज के लिए बच्चों अगर मान लो हां सत्तर परसेंट अगर तुम पढ़ा हुआ है तो पच्चीस तीस परसेंट खींच सकते हो चाहोगे हंड्रेड परसेंट पढ़ना तो आज की तारीख में जो प्रश्न के स्टैंडर्ड है उसमें संभव कोई अगर आप लोगों को प्रश्न है तो प्रश्न करू नहीं तो कल से फिर हम लोग श्री गणेश करें अपने काम को जैसा मैंने बताया है प्लान के अनुसार जो प्रश्न पूछना चाहो पूछ सकते हो क्योंकि आप लोगों की बारी है रुक जाइएगा बाकी आपके कुछ सहपाठी प्रश्न पूछना चाहेंगे अभी विद इन हम टाइम है क्योंकि आप लोगों को पता हो कि मेरा टाइम ग्यारह बजे तक है आज आपका पहला क्लास था मेल मिला पर पर परिचय के लिए क्लास था तो मैंने थोड़ा सा आपको विषय से परिचय कराया है हाँ बोलिए आप इसे बाहर क्या इसे बाहर अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं हुआ फिर तो उधर जीएस पढ़ने से भी फिर नहीं हुआ हम ऐसा नहीं कहते कि से बाहर नहीं यूपीएससी का तो संसार अलग है वो एक दो क्वेश्चन आपको बाहर रख सकते हैं। उससे भी फिर तो आपका नहीं तो क्या अब मैं स्थगित करूं या कोई प्रश्न फर्दर प्रश्न हाँ एक मिनट अभी प्रश्न है हाँ बोलिए क्या अब पुरानी वाली एनसीईआरटी भूलिए वो इतनी पुरानी आपके जन्म से कितना पहले है पता है आपको पुरानी वाली एनसीआरटी कब लिखी गई 1986 में लिखी गई उन्नीस सौ छियासी की एनसीआरटी जिसको आप कर रहे हैं आपका डेट ऑफ बर्थ क्या एन है टू थाउजेंड एंड मिलीनियम के हैं इस शताब्दी के हैं वाइज जनरेशन है ना तो वो एनसीआरटी नाइनटीन में लिखी गई थी ये एनसीआर जो नई जिसको कहते हो नई वो 2006 की है 2006 में बैठ आप क्या कर रहे थे आप एक नई एनसीआरटी भविष्य में आएगी उसमें क्या होगा भविष्य की बात लेकिन अभी 2006 से एनसीआरटी 2005 में 2005 में जो नई शिक्षा पद्धति आई एनसी एनसीएफ टू थाउजेंड फाइव उसके आधार पर एनसीआरटी पुस्तक लिखी गई एनी क्वेश्चन फर्दर हाँ। हिस्ट्री का प्रशासन में क्या रोल है आप तो लगता है बिल्कुल आप साक्षात्कार के अंदाज में सीधा चले बैठिए। हिस्ट्री का प्रशासन में क्या रोल अच्छा चलिए मैं इस प्रश्न पर भी आता हूं सबसे पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि प्रशासन तो आप छोड़िए हम आज हैं और हम जो अपने वजूद को फिल कर रहे हैं कि आर ये बिना हिस्ट्री के संभव नहीं हम कौन हैं इन जानने के लिए हमें हिस्ट्री चाहिए प्रशासन में तो हिस्ट्री का इतना बड़ा रोल है कि आज भी अगर आप ब्यूरोक्रेसी में होंगे तो सबसे पहले आपको चाइना का ब्यूरोक्रेसी रोमन एम्पायर का ब्यूरोक्रेसी यह पढ़ना पड़ेगा ताकि आप समझे कि किसी भी स्टेट और इंपायर के सक्सेस और फेलियर दोनों में ब्यूरोक्रेसी की कितनी बड़ी भूमिका है मुगल इंपायर जैसा साइज का इंपायर एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी के अभाव में ध्वस्त हो गया उसका मनसबदारी सिस्टम था वो अपने समय के लिए बड़ा ही प्रोग्रेसिव था लेकिन वो मनसबदारी सिस्टम कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद पर आधारित था इस कारण से इस तरह की जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो संकट के समय नहीं चल पाती है वो आत्म केंद्रित हो जाती है तो दुनिया में अगर आप ब्यूरोक्रेसी में हैं तो आपको ट्रेनिंग में भी आपको ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा जैसे देखो इतिहास हमें हमें होने का वजूद देता है कैसे वो वह बैरोमीटर है जिस बैरोमीटर के सहारे हम मापते हैं अपने समय रूपी किसको? जल की जल को मतलब हम इस बात को मापते हैं कि हम इतिहास के किस मोड़ पर हैं जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था अपने एक लेक्चर में तो बाद में कोई बच्ची जिसको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन उसको इंटरव्यू देना था तो एक्सक्लूसिवली हमसे पूछने के लिए आई थी कि सर आपने जो दृष्टांत दिया मैं समझ नहीं पाया मैंने कहा कौन सा दृष्टान्त तो उसने कहा कि आपने कहा कि हाईवेज पर तेजी से गाड़ी जा रही हो हंड्रेड के स्पीड में और सारे माइल को हटा दिए जाए तो देख के एक हॉरर एक फियर होने लगता है कि भाई मतलब पता ही नहीं चलता है कि हम कहा हैं और कितनी दूर जाना है कितनी दूर चल गए या हो सकता है हम अपने गंतव्य स्थान से कहीं भटक नहीं तो नहीं गए तो हिस्ट्री इज इस दैट माइल हमें पता कैसे चलेगा कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं हम कहां से चलकर कहां तक आए फिर हिस्ट्री हमारे लिए लेशन भी है इस बात देखा था निबंध में पूछा था ना तो वो जो निबंध में जो स्टेटमेंट है काल मार्स का हिस्ट्री रिपीट इट सेल फर्स्ट एज ए ट्रेजिडी देन एज ए फार्स इतिहास अपने आप को दोहराता है पहले त्रासदी की तरह और फिर प्रहसन की तरह पहले त्रासदी की तरह से कोई घटना त्रासदी की तरह हो जाती है लेकिन अगर आप उसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर दोहराएगा वो कुछ स्कॉलर्स है मानते हैं हिस्ट्री नेवर सेल्फ क्योंकि उसी तरह की घटना उसी तरह की परिस्थिति में उसी दोबारा नहीं हो पाती है तो अलग अलग विचार है लेकिन हिस्ट्री एक लेशन है उससे हमारी भविष्य की दिशा भी तय होती है मैं तो यह मानकर चलता हूं कोई भी चीज है चीजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज वाला मेरा लेक्चर देखा है कोई नहीं देखा है तो मेरे तुम चैनल पर चल जाओ उसको देखो उससे क्या होगा तुम एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगी जब भी टाइम मिले वक्त मिले अब किस समय वक्त मिलता है तुम ही बता पाओ क्या वक्त रहता है कि नहीं कि पहले से ही कहीं अपॉइंटमेंट हुआ पड़ा है नहीं न? ना अच्छा ठीक तो वक्त तो जीवन में यूपीएससी के जीवन में वक्त निकालना पड़ेगा उसको जब देखोगे तो तुमको प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज से एक एक विजन डेवलप करेगा कि हाँ कैसे हम इसको डे टू डे लाइफ में हमारा हिस्ट्री हर जगह बैठा हुआ है कास्ट सिस्टम जानना हो कंडीशन ऑफ ह्यूमन जानना हो आज तुम जानते हो ना हम लोगों को कोई नहीं ठग सकते आप देखते हैं कि हर चौक चौराहे पर हिस्ट्री बताया जा रहा है हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है जैसे हुआ हमारा भारत महान था उस भारत को क्या हो गया ये हम लोग इस इस प्रपंच में कभी नहीं फंस सकते जो कि हिस्ट्री में देख रहे हैं ना में अध्ययन करने से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता चला जाता है ठीक है ऐसे हुआ ऐसे हुआ इसके बाद ऐसे हुआ अभी मैंने कश्मीर फाइल्स पर एक लेक्चर दिया था तो मैं तो खैर फिर कमेंट देखता नहीं एक बार देने के बाद क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बहुत डिस्प्यूटेड लेक्चर है तो बहुत लोगों को ना खुश होंगे उसको तो हम इसके लिए तैयार रहते हैं जब आप पब्लिक फिगर हैं तो यू है मैं, देखो, मैं एक बात बताऊं तुम तो मेरे स्ट्रेंड्स हो तो हम एक बात तुमको स्पष्ट बता दें कि देखो हम ऐसा नहीं चाहते कि तुम कार्बन कॉपी तुम अगर हमसे हेल्दीली डिफर करते हो मैंने बिल्कुल ही अपने स्टाफ सबको बताया हो कि हमारे चैनल के ऊपर कोई अगर डिफरेंस करके अगर कोई अपना कंफ्लिक्टिंग व्यू देता है एक्सेप्ट मान लो कुछ अभद्र बातें लिख देता है तो तुमको डिलीट करना पड़ेगा मजबूरी है लेकिन अगर अगर कोई चूंकि कोई संवाद होना चाहिए ना हेल्दी चाहिए हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा तुम अगर डिफर करते हो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो ना एविडेंस के साथ बस सीधी सी बात होती है हिस्ट्री में क्या है हर कुछ के साथ एक एविडेंस होता है वहां पर तुमने देखा होगा हमने मार्क्सिस्ट को भी कोट किया क्यों क्योंकि एक मूवी कोई डायरेक्टर दिखाता है डायरेक्टर की राजनीतिक पक्षधरता क्या है वो डायरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है जैसे हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई पुस्तक को हम अध्ययन का स्रोत बताते हैं तुम हिस्ट्री के स्टूडेंट है इसलिए जाने इस बात को हम लोग जो सोर्स मटेरियल के रूप में किसी पुस्तक को लेते हैं तो इसमें इतनी चीजें पता करते हैं कौन है? कब लिखा गया उस ऑथर का उस शासक से क्या संबंध है मित्रता वाला या दुश्मनी वाला अगर दुश्मनी वाला होगा तो फिर वो गलत चित्र देगा मित्रता वाला होगा तो चापलूसी करेगा। तीसरा रचना का समय क्या है रचना की मन स्थिति क्या है अब हर चरित्र अगर बानवट लिखेगा तो वो वो नहीं वो वो एक्चुअली वो है क्या कि वो लिटरेरी तो हर्षवर्धन को एक महान हर्षवर्धन को एक्चुअली क्या है कि वो एक नायक वो ए, एक रचना है और रचना का नायक है तो नायक का तो कुछ औपचारिकता का निर्वाह करना पड़ता है ना उसको छोटा करके नहीं दिखाया तो, तो हमेशा बड़ा करके दिखाया जाए तो उसी प्रकार से रचना का समय क्या है क्या रचना में बाद में कोई फिर बदल तो नहीं इन सारी चीजों का पता करते हैं तब उसके बारे में फिर दूसरी कोई रचना समकालीन है जो इसका एक दूसरा विचार दे रही है मतलब पहले अगर कोई कहोगे कि तुम अगर कहोगे कि ऐसे हुआ तो हम पहले डाउट करेंगे कोई मतलब नहीं कि हम मानेंगे कि तुमने कहा और हम मान लें हम कहें कैसे जाने एविडेंस क्या तो

इसके पीछे पूरी कॉम्प्लिकेशंस को समझना चाहते कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसके साथ क्या और लोग भी सफरर्स हैं इसके साथ क्या अगर वो इस स्थिति में बेचारे पहुंचे इसके लिए कुछ हम लोगों के साइड से भी कोई गलती तो नहीं हुई सब का परीक्षण तो होना चाहिए ना बींग एन इंटेलेक्चुअल सभी तुम हिस्टोरिकल फैक्ट्स एक हिस्ट्री होने का मतलब हिस्ट्री की जानकारी होने का मतलब यही है ना हम उसको इतिहास के परिप्रेक्ष्य से देखें क्योंकि मूवी में हमने देखा कि उन्होंने एक जगह पर कहा हुआ था कि मध्यकाल में हम लोग बहुत संख्यक थे हम लोग अलसंख्यक हो गए तो मध्यकाल के फाइल को मत खोलिए ना वो मिडिवल एज में पूरे लैटिन अमेरिका को क्रिश्चियन बना दिया तो उस समय मिडिवल स्टैंडर्ड यही था जिसकी लाइट थी उसकी भैंस उसको पहले अलग करी और मॉडर्न एज में आई जो था वो अच्छा नहीं था वो गलत था लेकिन युग की सच्चाई नहीं तो दो फाइल को मिलाएंगे तो फिर बहुत चीजें फाइल खुल जाएगी यहां बहुत फाइल खुलेगी चूंकि इतिहास में रिट्रीब्यूशन के लिए कोई जगह नहीं सुधारने के लिए जगह इतिहास में हमेशा चीजों को सुधारने सुधारने का प्रयास करना चाहिए ये जो पीछे हो गई उसको हम उसका बदला इतिहास में नहीं ले सकते बस इतिहास का पढ़ने वाले को ये जानकारी चाहिए तो तुम देखो ना क्वेश्चन बैंक तुम्हारे सामने पूरा क्वेश्चन बैंक पूरे क्वेश्चन बैंक में तुमको निफ्टल सारे क्वेश्चन अब जैसे कल मैं एक टीवी चैनल पर देखता था टीपू सुल्तान को एक चैनल का मीडिया का कोई पता नहीं कौन चैनल था हमको रिपीट कौन सा चैनल है वो, नहीं वो नहीं था एक एक और चैनल था कोई ऐसा एक चैनल वाले आए तो मुझसे इंटरव्यू लेने आए थे वो छह महीने पहले और नाम नहीं लेना चाहूँगा तो वो हमको बोले कि इतिहास में एनसीआरटी वर्ग पर सर कुछ प्रकाश डालिए लोग कहते हैं उसमें गलत चीजें लिखी गई हम कहते देखिए आप हमारा इंटरव्यू मत लीजिए क्योंकि हमारा इंटरव्यू आपका एडिटर नहीं छापेगा क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो आपके चैनल को मंजूर नहीं होगा क्योंकि आप स्पॉन्सर्ड चैनल हैं हम जानते हैं आपको तो आप हमारी बातों को नहीं लेंगे तो उसने कहा कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है बहुत ज्ञान बघाड़ने लगा कि हम लोग ऐसा है हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल हैं आपके बारे आपने को किसी ने गलत धारणा कर दी और आधे घंटे की मेहनत से हमने इंटरव्यू दिया इंटरव्यू नहीं आया <laughs> <laughs> क्योंकि मैं जान रहा था कि मैं जो बोल रहा हूं वो नहीं चल पाया क्योंकि इतिहास जब आप पढ़ते हो तो अब आप एक प्रोफेशनल हिस्टोरियन हो तो फिर समस्या है ना प्रोफेशनल हिस्टोरियंस को तौर तो तरीके से बढ़ना पड़ता है हर चीज की क्वेश्चन है वो कॉमन पीपल तो तुरंत डिसीजन ले लेता है आर पार लेकिन अगर वही जुडिशियरी में बात जाती तो जज कितना छानबीन करते कई बार लोग उगताते हैं कह रही छानबीन क्या कर रहे हैं जज साहब चीजें तो क्लियर है।, है ये ये रहा मर्डर आ रही है, है खून इनका मर्डर हुआ पूरा मत बनो चीजें इतना क्रिस्टल क्लियर छान भी आप क्या कर रहे हो कई बार ऐसा मन में आता है उनमें लेकिन उनको एक तरीके से बहना पड़ता है क्योंकि एक भी इनोसेंट फंसना नहीं चाहिए हिस्टोरियंस को भी इतिहास में बड़ा बहुत बड़ा दायित्व होता है हिस्ट्री जब नाइनटीन जब भारत को जब आजादी से एक साल पहले 1946 में आईसीएच इंडियन हिस्टोरिकल कांग्रेस की बैठक अलीगढ़ में हुई थी पहले तो गांधी जी को के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई गांधी जी इसमें जीवित थे श्रद्धांजलि अर्पित की गई उसके एक साल के बाद उनका मतलब ऐसा दुर्भाग्यजनक बात हुई लेकिन पहले उनको उनको आभार व्यक्त किया गांधी जी को कि गांधी जी ने इस संकट की घड़ी में हुई उनका तो आप जानते हो कि बहुत दंगे रोकने में उनका बहुत बड़ा रोल था और आभार व्यक्त किया कि उन्होंने कॉम्युनल हार्मोनी को बनाने में उन्होंने बहुत प्रयत्न किया बहुत कोशिश की और फिर उन्होंने उस कांग्रेस में फिर कहा हिस्टोरियंस का मेडिवल जो मेडिवल हिस्ट्री के हिस्टोरियंस थे कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि इतिहास में जो इंटीग्रेटिव चीज है उसको हाईलाइट करें मकसद ही पहले तय किया कि इंटीग्रेटिव चीज को हाईलाइट करें जैसे एक पक्ष आता है जैसे जेहाद मध्यकाल में कुछ हुआ जहां तहां कुछ मुस्लिम शासकों ने प्रजिक्यूट किया ऐसा नहीं कि इतिहास में कोई हिस्टोरियंस ने नहीं लिखा आप सतीश चंद्रा को पढ़िए ना बुद्ध सिकंद सिकंदर के बारे में सतीश चंद्रा ने ही लिखा है कि किस तरह से कश्मीर में उसने किया है औरंगजेब के बारे में देखिए इकतदार आलम खान ने अकबर के बारे में लिखा है कि उसने चित्तौड़ के किले पर कतलेआम किया था अकबर ने जहाद का नारा दिया था तो ये ये, ये तमाम कुछ भी उन्होंने लिखा है लेकिन हाईलाइट इस बात को किया है कि साथ साथ रहते हुए हिंदुस्तान में एक समन्वित गंगा जमनी संस्कृति का विकास हुआ बहुत सारे हिंदू कुलीन डिपेंडेंट थे मुस्लिम शासक वर्ग पर और मुस्लिम शासक वर्ग हिंदू पर डिपेंड थे बड़ा एक दूसरे परस्पर डिपेंडेंस के आधार पर हुआ उर्दू भाषा का विकास हुआ तो ये सब चीजें हुई तो इसको कहा गया कि इंटीग्रेटिव फैक्टर इन हिस्ट्री उन्होंने कहा तो उद्देश्य तो अच्छा था इंटीग्रेटिव फैक्टर इन हिस्ट्री अगर खोजा गया तो मैं नहीं समझता कि इतिहास मतलब अब पुराने जब जब शादी वादी होती है तो कितना निगोसिएशन में कई बार देखोगे कि बर पक्ष कन्या पक्ष में मारपीट तक हो जाती है लेकिन <laughs> जब साथ साथ रहते हैं पति पत्नी फिर दोनों जैसे पहले तो बड़ी आम सी चीजें थी कुछ खास मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इंडिया के कुछ खास क्षेत्रों में जब डॉडी सिस्टम बहुत प्रबल हो गया था तो जबरन पकड़ कर मैरिज करवा दिया जाता था लड़कों को तो उसमें जो सम्राट घर के लड़के होते थे उनको बड़ी सुरक्षा में आना जाना होता था और बड़े बचते बचाते रहते थे क्योंकि तो लोगों की संपत्ति चोरी होती थी वहां पर लड़का चोरी हो जाता था लड़का चोरी हो गई और एक दो दिन तक नहीं मिले दूसरे दिन उनके लड़की मिली तो उनका लड़के मिले तो उनका चेहरा सूझा हुआ एक पीली धोती पहने हुए और साथ में एक लड़की के साथ वो कहीं बरामद होते थे तब तक उनको एक पत्नी भी सुपुर्द कर दिया जाता था अब बताइए और कुछ समय के बाद जब दो तीन वर्ष बीतते तो पता चलता कि उनके दो बच्चे हैं और पति पत्नी बड़े परस्पर विश्वास के साथ जी रहे भाई कैसे हुआ कैसे मेरे कल हुआ तो दोनों के पास कोई चारा नहीं है जिंदगी जीनी है तो फिर प्यार भी हो गया तो जब साथ जीना है तो प्यार भी हो जाए घिरना क्यों जीवन जीना है ना शांतिपूर्ण ढंग से जीवन जीना है बस यही इतिहास की जरूरत होती है उसे बहुत सारा पाठ जीवन में मिलता है एनी एनीवे तो और क्या बोलते हो कोई फर्दर प्रश्न है तो बोलिए आप लोग ये सोचते हो कि हाफ एन आवर पहले छुट्टी मिल रही है इसका कुछ रचनात्मक उपयोग कर लें क्या विरचनात्मक तो उपयोग का प्रकार क्या होगा यह भी जरा बताते जाइए चाय अरे ये जीवन में कभी चाय नहीं पीते क्या तो ठीक है कल याद रखना एक पूरी कॉपी उस पर आपका नाम लिखा हुआ ना? सं, संप्रभुता स्थापित हो कल को उस पर क्लीम कॉपी आपकी नहीं है कल कर शुरू करते हैं इतिहास लेखन से शुरू करूंगा कल कर, है ना ओके थैंक यू वेरी मच यू